ओके नाउ सी हमने लास्ट क्लास में ओएसआई मॉडल को स्टार्ट किया हुआ था और ओ मॉडल के अंदर हमने जो लेयर्स देखे थे हमारे पास टोटल सेवन लेयर्स होती हैं प्रेजेंट एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को भी हमने स्टार्ट कर लिया था मैं एक काम करता हूं ट्रांसपोर्ट लेयर को दोबारा से मैं स्टार्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर से फिर से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट लेयर है दैट्स वाई नाव होता क्या है कि जब भी आपका सेशन लेयर जो होता है हमारा सेशन लेयर तो सेशन लेयर से जब डेटा रिसीव होता है कौन से लेयर पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैंने लिख दिया ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब डेटा रिसीव होता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं तो पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर के विच सेगमेंटेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था सेगमेंटेशन अब सेगमेंटेशन का मतलब क्या है सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपके एक डेटा को छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाता है और उन कट किए हुए को बोलते हैं हम लोग अब अब जो पीसीज़ हैं अब होता क्या है कि जब डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो डेटा एक शॉट में हम सेंड नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब डेटा आएगा तो वहां पे उस डेटा को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया जाएगा छोटे छोटे पीसेज में कट किए जाएंगे और उस कट किए हुए पीसेस का जो बोलेंगे हम लोग चंक बोलेंगे अब मान के चलो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मैसेज है मेरे पास हेलो, हाउ आर यू ये एक मैसेज है जो मुझे भेजना है तो मैं इसको एक पार्ट में नहीं भेज सकता तो मैं इसके क्या करूंगा छोटे छोटे चंक्स बना लूंगा ये देखो मैं बार बार बता रहा हूं ये हम लोग खुद नहीं करेंगे ये ऑटोमेटिकली बैकएंड पे होता है सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं प्रोसेस को समझ रहे हैं तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हुआ इस मैसेज के छोटे छोटे चंक बना दिए गए चंक्स बनाने के बाद अब ये मैं अगर मान के चलो कि ये सेंडर था और ये रिसीवर है मान के चलो दिस इज द रिसीवर अब अगर मैं ये सारे के सारे डेटा भेज दूँ मान के चलो उसको पहले ये वाला मिलता है फिर उसको ये वाला डेटा मिलता है कभी भी डेटा एक सीक्वेंस में नहीं मिलेगा अनसीक्वेंस में मिलेगा कभी ये वाला पहुँच रहा होगा उसके बाद उसके पास फिर उसके बाद ये वाला पहुँच रहा होगा फिर उसके बाद ये वाला आ रहा होगा तो अब अगर इस तरीके से तो उसने डेटा को रिसीव किया तो रिसीविंग एंड पे इसको क्या किया जाएगा वापस से रीअसेंबल किया जाएगा अब रीअसेंबल करने के लिए मेरे पास कुछ एक मैकेनिज्म होना चाहिए तभी मैं उसको सीक्वेंस में अरेंज कर पाऊंगा सो so, अगला जो कॉन्सेप्ट होता है मीन्स अगला जो काम होता है हमारे ट्रांसपोर्ट का विच इज प्रोवाइडिंग सीक्वेंसिंग सिक्वेंसिंग अब सिक्वेंसिंग का बहुत जरूरी है अगर आप सिक्वेंसिंग नहीं करेंगे तो डेटा को रीअरेंज नहीं हो पाएगा तो अब यहां पे जो ये डेटा था जैसे ये हाउ लिख लेते हैं हेलो पहले था हमारा हेलो हाउ आर यू ये मैसेज था तो बेसिकली हमने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है होती है। तो सीक्वेंसिंग का मतलब है कि अब जैसे कि हमारे पास टोटल कितने सेगमेंट्स बने पांच सेगमेंट्स बने तो ये जो हेलो है ये आउट ऑफ फाइव कौन सा सेगमेंट है पहला एक मिनट और दे दो मैं पेन ओपन कर लेता हूं तो आउट ऑफ फाइव का मतलब है कि अगर यह फाइव का मतलब है कि मेरे पास रिसीवर को समझ में आ जाएगा इस वाले पॉइंट से कि टोटल कितने सेगमेंट आने हैं और उसका ये कौन सा पार्ट है वो यहां से पता लग जाएगा तो इसीलिए थर्ड सेगमेंट आउट ऑफ फाइव थर्ड सेगमेंट आउट ऑफ फाइव दिस इज द फोर्थ सेगमेंट आउट ऑफ फाइव एंड सेगमेंट आउट ऑफ फाइव नाउ अब अगर ये डेटा मान लो इस तरह से मतलब अरेंज मिलता है इसको रिसीव होता है पहले ये वाला मिला फिर उसको ये वाला सेगमेंट मिला फिर उसको सपोज ये वाला सेगमेंट मिला फिर उसको ये वाला सेगमेंट मिला और फिर उसके बाद फाइनली ये वाला सेगमेंट मिला तो अब यहाँ पे इसको क्या करेगा री अरेंज करेगा तो पहले इसको सेट करेगा उसके बाद सेकंड वाले को लगाएगा फिर थर्ड वाले सेगमेंट्स को लगाएगा फिर फोर्थ वाले को इस तरीके से डेटा को क्या कर लेगा रीअरेंज कर लेगा दिस इज द रीजन ऑफ द सिक्वेंसिंग नाउ अब यह भी हो सकता है कि कोई ना कोई डेटा मेरा लॉस हो कोई ना कोई डेटा मेरा लॉस हो सकता है सेगमेंट में पांच भेज रहा हूं हो सकता है कि सामने वाले को चार सेगमेंट मिले एक सेगमेंट किसी रीजन से नेटवर्क में लॉस हो जाए तो उसके लिए अगला कॉन्सेप्ट होता है हमारा रीट्रांसमिशन यानी आप बोल सकते हैं यहां पे एक्नॉलेजमेंट यहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है एक्नॉलेजमेंट अभी एक्नॉलेजमेंट क्या है कि सपोज मैंने मान के चलो सामने वाले को चार सेगमेंट पांच सेगमेंट भेज थे चार सेगमेंट पहुंचे हैं और लास्ट वाला सेगमेंट नहीं पहुंच पाया तो आपका रिसीवर है क्या रिसीवर क्या करेगा एक हर सेगमेंट की क्या देगा एक एकजमेंट देगा तो जिस सेगमेंट की एक्नोलेजमेंट इसको नहीं मिलेगा वो वाला पर्टिकुलर सेगमेंट ध्यान रहे सिर्फ वही सेगमेंट दोबारा से क्या किया जाएगा री ट्रांसमिट किया जाएगा तो इसीलिए यहां पे एक्नोलेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे इसीलिए हमारा यहां पे जो डेटा होता है वो रिलायबल होता है तो रिलायबिलिटी हमारा प्रोवाइड किया करता है हमारा ठीक है अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे ध्यान से समझना हमारे पास दो प्रोटोकॉल मेजर प्रोटोकॉल है जो काम करते हैं ठीक है एवरी लेयर पे कोई ना कोई प्रोटोकॉल है जो काम कर रहा होगा देखो एक कंपनी है एग्जाम्पल उस कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है एच डिपार्टमेंट है अकाउंट डिपार्टमेंट है सेल डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट के अंदर जो बंदे काम कर रहे होते हैं उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करते हैं एच वाला बंदा इंटरव्यू शेड्यूल करता है सैलरी वगैरह बनाता है सेल्स वाला बंदा सेल्स करता है अकाउंट वाला बंदा सैलरी वगैरह बनाता है जो भी है है ना सैलरी वाली देने का काम करता है तो कहने का मतलब हर डिपार्टमेंट में जो एक पर्टिकुलर पर्सन है उसका एक पर्टिकुलर रोल होता है इसी तरीके से जो लेयर्स आपने मैंने आपको बताया फ्रॉम एप्लीकेशन प्रजेंटेशन सेशन हर लेयर पर कोई ना कोई प्रोटोकॉल काम करता है जिसकी एक अपनी सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो जो डेटा है वो आपका एप्लीकेशन लेयर से होते हुए आपके फिजिकल लेयर पे पहुंचेगा, और हर लेयर पे पे और हर उस डेटा के साथ कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन क्या होगा ऐड होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेसिकली अभी आगे चल के मैं और अच्छे से समझाऊंगा इसको इनकैप्सुलेशन का मतलब समझ लो इनकैप्सुलेशन एक प्रोसेस होता है जहां पे आपके एक एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना उस प्रोसेस को हम लोग इनकेशन बोलते हैं मीन्स वेन व्हेन द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एडेड इन टू द एग्जिस्टिंग डेटा इट्स प्रोसेस कॉल्ड इनकेशन राइट नाउ अब यहां पे हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इस ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास दो मेजर प्रोटोकॉल काम करते हैं जिसके अंदर अगर मैं बात करूं एक है हमारे पास टी और एक है हमारे पास यूडीपी टीसीपी एंड यूडीपी ठीक है और अगर मैं यहां पे आपको लेके जाऊं सी सी एन एग्जाम कोड में सी सी एन एग्जाम टॉपिक मैं ये डाउनलोड करके रख लूंगा लास्ट टाइम डाउनलोड करना भूल गया था मैं तो यहां पे आपके पास कंपेयर टीसीपी एंड यूडीपी का कॉन्सेप्ट है तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक है ठीके? यही हमारा सिलेबस रहने वाला है ठीक है ये सिलेबस को हम लोग फॉलो करेंगे इसके अलावा भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा ठीक है ये जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा नाउ सी तो टीसीपी एंड यूडीपी के बारे में आज हम बात करेंगे कि और ये ध्यान रखना ये दोनों प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करते हैं तो इन द इंटरव्यू टेल मी द मेजर प्रोटोकॉल वर्क ऑन द ट्रांसपोर्ट लेयर सो इट्स अ टी एंड यू दैट्स इट राइट सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ हेम तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं ध्यान से समझिएगा टीसीपी एंड यूडीपी दोनों में क्या डिफरेंसेस है लेट्स डिस्कस नाउ सो टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल

ज कनेक्शन ओरिएंटेड ओरिएंटेड इट्स अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एंड जो हमारा यूडीपी है इट्स अ कनेक्शन लेस कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल वट यू मीन बाय द कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस अभी हम थोड़ी देर में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है पहले मैं लिखवा देता तो हूं पॉइंट्स फिर हम लोग इसके बारे में और यही पॉइंट आप अपने इंटरव्यू में भी बता सकते हैं राइट थर्ड पॉइंट टी सी पी इज अ रिलायबल प्रोटोकॉल रिलायबल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी इज अ अन रिलाबल अन रिलाबल अन अन रिलाबल प्रोटोकॉल टीसीपी जो है टीसीपी प्रोवाइड एक्नोलेजमेंट जो मैंने बताया ना ट्रांसपोर्ट लेयर एक्नोलेजमेंट ट्रांसपोर्ट लेर के अंदर टीसीपी ही एक्नोलेजमेंट प्रोवाइड करता है टीसीपी प्रोवाइड एक्नोलेजमेंट राइट एंड इट्स डज नॉट प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए मैंने एक्नॉलेजमेंट ठीक है फिफ्थ टी सी पी इज अ स्लो प्रोटोकॉल And UDP is a fast protocol. UDP is fast protocol, right? And last point, write. TCP header size is twenty byte. and UDP, uh, oh, hmm, udp header size अभी हैडर क्या बाद में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली हैडर साइज इज फोर बाइट तो दिस इज दिक्स डिफरेंसिस बिटवीन tcp सी पी एंड यूडीपी आप गूगल कर लें आपको यही मिलेंगे और यही इंफॉर्मेशन आप अपने इंटरव्यू में भी दे सकते हो ठीक है अब हम बात करते हैं एक एक पॉइंट को ठीक है क्योंकि पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल के बैठ गया फिर किसी ने पूछ किसका मतलब तो बताओ तो फुल फॉर्म तो कोई पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल व्हाट डू मीन बाय द कनेक्शन ओरिएंटेड तो इसी को हम लोग सबसे पहले डिस्कस सेकंड पॉइंट को व्हाट इज द मीन ऑफ कनेक्शन oriented what do you mean by the sorry what do you mean by the connection oriented deco TCP provide three-way handshake before sending data सपोज आई एम अ सिस्टम एंड आई वॉन्ट टू शेयर अ डेटा टू यू तो मैं डायरेक्टली डेटा नहीं भेजूंगा आई विल मेक अ थ्री वे हैंड शेक विद यू अब वो थ्री वे हैंड शेक अगर सक्सेसफुली कन्फर्म होगा सक्सेसफुली होगा तभी मैं अपना डेटा आपके साथ शेयर करूँगा एक रियल से, से एग्जाम्पल लेते हैं आपको पता है जब हम लोग ज्वाइन करते हैं क्लास को तो मैं आपसे दो सवाल जरूर पूछता हूँ क्योंकि कि आपको मेरी वॉइस आ रही है और आपको मेरी स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही है और उसके बाद ही मैं अपना लेक्चर डिलीवर करता हूँ अगर मैं आपसे ये कन्फर्मेशन ना लूँ और मैं डायरेक्टली लेक्चर देना शुरू कर दूँ अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन ना तो मेरी आवाज़ आ रही है और ना ही मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है तो वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन क्या हो रहा है जो मैं दे रहा हूँ सब लॉस हो रहा है क्योंकि आप तक तो इन्फॉर्मेशन पहुँच ही नहीं रही है तो बिफोर सेंडिंग द एक्चुअल डिलीवरी मैं एक्चुअल जब मैं लेक्चर दूंगा उससे पहले मैं आपसे कन्फर्मेशन लूँगा कि मैं इन्श्योर हो जाऊँ कि वी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर जब मुझे इंश्योर हो जाएगा हाँ यार आपको मेरी आवाज़ आ रही है आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो मतलब हम कनेक्टेड है तब मैं बात करना शुरू करता हूँ और ऐसे ही हम लोग टेलीफोन में वगैरह भी हम दोस्त को फ़ोन करते हैं तो फोन में जैसी रिंग जाती है और जैसे रिंग वहाँ सामने से कोई फ़ोन उठाता है तो हम बोलते हैं हेलो और उधर से भी बोलता है हेलो उस हेलो का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप कैसे हैं उस हेलो का मतलब एक जस्ट एक कन्फर्मेशन कि वी आर कनेक्टेड और नॉट उसने सामने से हेलो बोला मैंने हेलो बोला हम दोनों ने एक दूसरे को एक्नॉलेज किया फिर हम अपनी बात करनी

ठीक है तो मान के चलो ये सर्वर है ये क्लाइंट है दिस इज अ क्लाइंट एंड दिस इज अ सर्वर ध्यान रहे चाहे सर्वर हो चाहे क्लाइंट हो चाहे दोनों ही क्लाइंट हो दो सिस्टम की दो डिवाइस की यहां बात हो रही है एट बी एट राउटर कुड बी स्विच इट कुड बी सिस्टम लैपटॉप एनीथिंग सिर्फ मैंने दो डिवाइस को लिया लेकिन यहां पे मैंने एक क्लाइंट और एक सर्वर ले लिया नाउ अब सबसे पहले मान के चलो कि इसके पास एक डेटा है पीसी वन के पास ये क्लाइंट के पास ये डेटा शेयर करना चाहता है सर्वर पे अपलोड करना चाहता है वट या मान के चलो ये जो सर्वर है सर्वर पे एक वेबसाइट पड़ी हुई है www.cisco.com, ये वेबसाइट है इसके अंदर ये वेबसाइट का इमेज मतलब यू है और इसी के ऊपर वेबसाइट पड़ा हुआ है इस वेबसाइट को मैं एक्सेस करना चाहता हूं तो क्या मैं डायरेक्टली बोलूंगा वो डेटा दे, दे, गया और आ गया नो no. तो अगर मैं सर्वर से डेटा की रिक्वेस्ट करना चाहता हूं क्योंकि मुझे वेबसाइट अपने पेज पे अपने सिस्टम पे ओपन करना है सो आई विल सेंड अ रिक्वेस्ट तो आपका यहां पे क्या होगा ये क्लाइंट मशीन जो है ये क्या करेगा एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा जिसको बोलते हैं हम यहां पे सिम टीसीपी का थ्री वे हैंडशेक समझा रहा हूं यहां पर तो सबसे पहले क्लाइंट क्या करेगा एक सिंह पैकेट सेंड करेगा मैं जो चीजें बता रहा हूं अभी, ये सब चीजें प्रैक्टिकल में भी प्रूफ करेंगे तो यहां पे क्लाइंट क्या करेगा सिंह पैकेट सेंड करेगा और इस सिंह पैकेट के अंदर दो इंफॉर्मेशन होगी एक होगा सीक्वेंस नंबर और एक होगा आपका एक्नोलेजमेंट नंबर सीक्वेंस नंबर होगा हमारा जीरो और एक्नॉलेजमेंट नंबर होगी जीरो दोनों ही सिक्वेंस नंबर क्या होगी जीरो एंड जीरो एंड इट विल सेंड इट टू द सर्वर सर्वर जैसे ही सिन रिक्वेस्ट पैकेट सिन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन यह क्लाइंट मशीन क्या करेगा एक सिन पैकेट सेंड करेगा सर्वर को और सर्वर जैसे ही यह सिन पैकेट को रिसीव करेगा व्हेन द सिन पैकेट रिसीव बाय द सर्वर और सर्वर बदले में इसको क्या भेजेगा एक पैकेट भेजेगा जिसको बोलते हैं प्लस एक्नोलेजमेंट जिसमें सीक्वेंस नंबर क्या होगा सीक्वेंस नंबर होगा वन सॉरी सीक्वेंस नंबर होगा जीरो और एक्नोलेजमेंट नंबर होगी वन स्टार्टिंग में जब क्लाइंट ने सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजा उसके अंदर दो फील्ड होती है सीक्वेंस नंबर नंबर एंड दोनों ही को जीरो सेट करके भेजेगा पीछे का लॉजिक समझाऊंगा अभी थोड़ी देर वेट समझाउ करकेगा सर्वर ये सिन पैकेट को रिसीव करेगा सर्वर एंड से क्या करेगा एक सिन प्लस एक्नोलेजमेंट देगा ये तभी देगा जब ये सर्वर के ऊपर वो पर्टिकुलर सर्विस चल रही होगी क्योंकि क्लाइंट जो है वो सिन पैकेट भेज रहा है इसके वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए और वेबसाइट चलता है आपके एस टी टीपी पोर्ट पे एस टी टीपी सर्विस पे या तो एस टी टीपीएस पे चलता है सबको पता है हमारे पास वेबसाइट इन्हीं दो प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम करती है और एस टी टीपी का पोर्ट नंबर होता है चलो एस टी टीपी पोर्ट नंबर बात करते हैं तो एस टी टीपी और एस टी डी पी एस के ऊपर रिक्वेस्ट भेजेगा तो क्लाइंट ने क्या किया जो सिन पैकेट भेजा उस सिन के अंदर वो क्या कर रहा है एस टीटी पी की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है जिसमें सिक्वेंस नंबर जीरो जीरो के ऊपर अगर वो सर्विसेज चल रही होगी तो सर्वर बदले में उसको क्या भेजेगा एक्नॉलेजमेंट और जिसमें सीक्वेंस नंबर जीरो क्यों हुआ उसके पीछे भी थोड़ी देर में बात करते हैं और क्लाइंट रिसीव करेगा क्लाइंट उसको बदले में क्या सेंड करेगा एक्नोलेजमेंट जिसमें अगेन सीक्वेंस नंबर होगा जीरो एंड एक्नोलेजमेंट नंबर होगा वन अभी समझाता हूं उसके बारे में तो ये तीन पैकेट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे जिसी को हम लोग बोलते हैं थ्री वे हैंडशेक पैकेट जाता है फिर सिन प्लस एक्नोलेजमेंट पैकेट रिप्लाई में आता है फिर बदले में क्लाइंट उसको एक्नोलेजमेंट भेजता है और ये तीनों पैकेट अगर सक्सेसफुली सेंड हो गया तब आपका सर्वर क्या करेगा अपनी उसके बाद क्या होगा इन दोनों के बीच में कनेक्शन कौन सा कनेक्शन टीसीपी कनेक्शन हम यहां पे टीसीपी की बात कर रहे हैं थ्री वे एंड शेख दैट्स वाई टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा उसके बाद सर्वर क्या करेगा अपना डेटा सारा उठा के सिस्टम को दे देगा सो दिस इज द प्रोसेस जो हमारा हमेशा होता है जब भी आप कोई टीसीपी बेस कनेक्शन एक्नोलॉजमेंट नंबर का कॉन्सेप्ट समझते हैं सीक्वेंस नंबर यहां पे जीरो भेज रहा है और एक्नोलॉजमेंट जीरो का मतलब ये कनेक्शन इनिशिएट कर रहा है पहला कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है तो इस सिन का मतलब होता है इस सिन का मतलब होता है ये जो सिंस नंबर है ठीक है इसमें सिक्वेंस नंबर जीरो है तो जो मेरा सर्वर है सर्वर ने क्या किया ये जो ये जो सिक्वेंस नंबर भेजा है इसने जीरो क्लाइंट ने सर्वर ने रिसीव किया उसने सिन पैकेट के अंदर सिक्वेंस नंबर जीरो देखा तो क्लाइंट को कैसे पता लगेगा कि जो सिंक्रोनाइजेशन पैकेट मैंने अभी सर्वर को सेंड किया है वो मिला है या नहीं मिला है तो सर्वर क्या करेगा उसकी एक्नोलेजमेंट देगा एक्नोलेजमेंट कैसे देगा जो सीक्वेंस नंबर लग के आया है उसमें मैं प्लस वन एड करूंगा तो क्लाइंट ने सीक्वेंस नंबर क्या लगा के भेजा था जीरो तो सर्वर क्या करेगा उसको एक्नोलेजमेंट देगा यानी इस सीक्वेंस नंबर की एक्नोलेजमेंट दे रहा है प्लस वन करके और ये जब पैकेट रिसीव करेगा और उसके अंदर जब एक्नोलॉज नंबर वन देखेगा समझ जाएगा जो पैकेट मैंने सेंड किया था वो उसको मिल गया है अब सर्वर भी तो उसको नंबर यानी सर्वर भी तो आप कनेक्शन बनाना चाहता है ना अगर क्लाइंट वर्चुअल कनेक्शन बनाना चाहता है तो दोनों एग्री होनी चाहिए देखो मैं अगर आपसे बात करने के लिए इच्छुक हूं तो आप भी तो होगे अगर मैं ही आपसे बात करने की कोशिश करूं आप बात नहीं करूं तो हम दोनों में बात होगी नहीं होगी तो मतलब मैं आपसे बात करने के लिए हेलो बोल रहा हूं और आप भी मुझे बात करने के लिए हेलो बोल रहा हूं। तभी तो एक दूसरे को कर रहे हो हम लगेगा क्लाइंट को तो सर्वर जब रिप्लाई में सिन प्लस एक्स भेजेगा तो उसके अंदर एक्नोलेंट वन लगा देगा तो एक्नोलेजमेंट वन का मतलब है कि जो सीक्वेंस नंबर जीरो लगा के भेजा था मैंने उसमें प्लस वन करके भेज देगा तो मतलब मैं समझ जाऊंगा सर्वर को मेरा पैकेट मिल गया है इसी तरीके से सर्वर ने भी अपना सिंक्व, नंबर नंबर भेजा ये ये सर्वर का सिंक्वेंस है ये भी कनेक्शन करना चाहता है तो सर्वर को कैसे पता लगेगा कि जो मैंने सिंह भेजा है जो मैंने सिन पैकेट भेजा ये अपना सिंह भी भेज रहा है ना इसके अंदर तो उसको मिला है कि नहीं मिला तो इसलिए क्लाइंट क्या कर रहा है एक एक्नोलेजमेंट एक पैकेट भेज रहा है जिसमें एक्नोलॉजमेंट नंबर वन लगा के भेज रहा है इस सीक्वेंस नंबर का अब दोनों लोगों को एक दूसरे का सिम पैकेट मिल गया है और जब पैकेट मिल जाएगा तो कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा देखो ऐसा भी तो हो सकता था कि क्लाइंट क्या करे पहले सिम पैकेट भेजे और जो सर्वर है वो पहले एक्नोलॉजमेंट दे फिर सर्वर अपना सिम पैकेट भेजे फिर ये एक्नोलमेंट दे ऐसा भी तो कर सकते थे हम लोग ऐसा भी हो सकता था लेकिन जिसने टीसीपी को बनाया है जिस साइंटिस्ट ने बनाया है उसने देखा कि क्यों हम चार पैकेट बनाएं ये हम तीन पैकेट में भी तो काम ले सकते हैं कि जब ये एक्नॉलेजमेंट देगा सर्वर तो उसमें अपना भी सिंक्रोनाइजेशन भेज देगा सिन प्लस एक अपना भी सिन भेजेगा अपने सिन के साथ इसी सिन की एक्नॉलेजमेंट दे देगा और ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट दे, दे देगा किसकी इस वाले सिन की तो इससे क्या हुआ तीन पैकेट में मेरा काम बन गया चार पैकेट जरूरत नहीं है तो थोड़ा सा फास्ट हो गया समझ में आए सबको थ्री वी एंड अगर अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो एनी वन है बिन्नी जी उल्लास जी रेपी जी yes, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे हाँ बोलिए बोलिए यस ओनली एक् Uh, yeah. या है. है ये देखिए सिन प्लस है वो सीक्वेंस नंबर है ये सीक्वेंस है इन नॉट अ सिन पैकेट नहीं एक्नोलेजमेंट पैकेट है ये ठीक है हाँ जीरो लेगा क्योंकि उसने तो भेजना नहीं है ना दोबारा कोई ये तो एक, इसकी एक्नोलेजमेंट दे रहा है ना ठीक <coughs> है चलिए और सबको समझ में आएगा रैपी जी आपको क्लियर है उल्लास जी आपको क्लियर है ओके ओके ग्रेट नाउ सी केयरफुली तो ये हमेशा होगा जब जब आप टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश करो तो हम लोग प्रैक्टिकली प्रूव भी करेंगे डोंट वरी ठीक है अभी तो मैंने सर समझाया ये चीज हम लोग प्रैक्टिकल में भी देखेंगे नाउ नेक्स्ट अब यूडीपी आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकोल है वट डू मीन बाय द दैट इट प्रोवाइड द थ्री वे सो मैं दोबारा एक चीज बता दू टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल तो अगर आप इंटरव्यू बोलते हो

टीसीपी एक वर्चुअल कनेक्शन स्टैब्लिश करता है बट यूडीपी कोई वर्चुअल कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करता वो डायरेक्टली डेटा सेंड करता है राइट <coughs> चलो अगला है टीसीपी इज ए रिलायबल प्रोटोकॉल वट डू मीन मदर रिलायबल रिलायबल का मतलब है कि सपोज एग्जाम्पल कि आप अपने घर से ऑफिस चलते हैं और ऑफिस पहुंचने के बाद अपनी मम्मी को फोन करते हैं कि मम्मी जी मैं ऑफिस पहुंच गया या अपनी वाइफ को फोन करके कंफर्मेशन देते हैं कि मैं अपने ऑफिस पहुंच गया तो मतलब आपने क्या किया कि एक एक्नोलिजमेंट एक दी आपने रिलायबिलिटी प्रोवाइड करी कि आपको पता है कि आपकी जो मदर है जो वाइफ है उनको पता है कि अगर वो घर ऑफिस पहुंच जाएंगे तो वो मुझे कंफर्मेशन देंगे तो वो एक एक तरह से क्या हो लो कि वो चिंता मुक्त हो जाते हैं है ना कि यार वो जो मेरे जो भी मेरे पर्सन है वो पहुंच चुके हैं सक्सेसफुली तो ऐसे ही कई बार होता है कि हम लोग अपने फैमिली मेम्बर को ट्रेन वगैरह में या फ्लाइट वगैरह में चढ़ा देते हैं फिर जब वो अपने घर पहुंच जाते हैं फिर वो आपको कंफर्मेशन कॉल करते हैं मैं सक्सेसफुली घर पहुँच गया तो क्या होता है इससे रिलायबिलिटी हो रही है मतलब आप कन्फर्मेशन ले रहे हो कि गारंटी है हो रहा है कि आप पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो या आप देखते हो कि आजकल जब हम ऑनलाइन जब कोई कोई हम लोग प्रोडक्ट ऑनलाइन जब हम लोग कुछ बाय करते हैं तो जो डिलीवरी बॉय आता है तो डिलीवरी बॉय जब आपको हैंड ओवर करता है देन ही पास ओ टी पी कि आप ओ टीपी दीजिए तो जब ओ टी पी आप उसको दे देते हैं तो वो सक्सेसफुली आपके पास रिसीव हुआ है तो इससे कन्फर्मेशन आता है कि आपने डेटा को सक्सेसफुली रिसीव हुआ है तो बेसिकली इट्स कन्फर्मेशन एक्नोलॉजमेंट लेने के लिए तो दैट्स वाई टीसीपी प्रोवाइड द रिलायबिलिटी की रिलायबिलिटी का मतलब है कि वेन द डेटा विल सेंड टू द रिसीवर इट विल ऑलवेज रिसीव बाई द रिसीवर अगर रिसीव नहीं हुआ तो <coughs> जैसे मान के चलो कि मैंने चार पैकेट भेजे चार में से तीन पैकेट मिले और एक पैकेट नहीं मिला तो उसकी मुझे एक्नोलेजमेंट नहीं देगा सामने वाला तो मैं क्या समझ जाऊंगा कि सामने वाले को शायद लास्ट वाला पैकेट रिसीव नहीं हुआ तो आई विल रीट्रांसमिट तो रीट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट होता है इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिलायबल क्यों है रिलायबल बिकॉज ऑफ द एक्नोलेजमेंट रिलायबल का मतलब गारंटी डिलीवरी ऑफ द डेटा एंड वाई गारंटी ऑफ द डिलीवर द डेटा बिकॉज ऑफ द एक्नोलेजमेंट तभी तो मेरे को डेटा की गारंटी मिल रही है कि मैंने चार पैकेट भेजे और उसको तीन मिले एक नहीं मिला कैसे नहीं दी तो मैं समझ जाऊंगा उसको ये जो डेटा है जो लास्ट वाला सेगमेंट है मुझे दोबारा से रिट्रांसमिट करना है तो दैट्स वाई टीसीपी रिलायबल एंड इज प्रोवाइडमेंट बट अकॉर्डिंग टू यूडीपी इट इज अनरिलायबल प्रोटोकॉल अनरिलाल का मतलब है मिले ना मिले आई डोंट केयर अबाउट इट अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे सर फिर हम लोग यूडीपी को यूज करेंगे सॉरी uh, टीसीपी को यूज करेंगे यूडीपी को यूज करेंगे नहीं ऐसा नहीं है ये प्रोटोकॉल अपने आप बैक एंड में काम करते हैं इनको डिजाइन इसीलिए किया गया है क्योंकि कहीं कहीं आपका टीसीपी यूज होगा कहीं कहीं यूडीपी अब यूडीपी को अनरिलाइबल बनाने का रीजन है <coughs> अगर अनरिलाइबल नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी क्या प्रॉब्लम आएगी अब समझेंगे इसको भी यूडीपी इज द अनरिलायल अनर रिलाएबल का मतलब गारंटी नहीं है मिलेगा नहीं मिलेगा लॉस हो गया तो हो गया आई विल नॉट री ट्रांसमिट टू यू सपोज आई एम द यूडीपी प्रोटोकॉलिंग डेटा यू आर सेंडिंग अ डेटा बायूडीपी प्रोटोकॉल अब यूडीपी प्रोटोकॉल से डेटा जब भेज रहा हूं तो उसमें से कुछ पैकेट लॉस हो गए सो आई विल नॉट गिव यू द एक्नोलॉजमेंट और ना ही मैं री ट्रांसमिट करूंगा ना ही तो आप एक्नोलॉजमेंट देंगे और ना ही मैं रीट्रांसमिट करूंगा दैट इज वाई यूडीपी इज अ फास्ट एज कंपेयर टू टीसीपी बिकॉज टीसीपी इज वेटिंग फॉर द एक्नोलॉजमेंट डे एन वेटिंग फॉर द एक्नोलेजमेंट फॉर नेक्स्ट डेटा जब तक मुझे एक्जमेंट नहीं दोगेगा वो नोट सेन्ड दू नक्स्ट डाटा सो दट इज वाई टीसीपी इज अलो एंड यू डी पी इज अटीपी है एक्नोलेजमेंट कॉन्सेप्टो वेट करना पड़ता है एक्नोलॉजमेंट के लिए दैट इज वाय टीसी स्लो एंड यूडीपी इज अ फास्ट अब बात करते की जरूरत क्यों है वाई यू डी पी अनिलाई यूडीपी डज नॉट प्रोवाइड एक्नोलेजमेंट बिकॉज ऑफ सपोज अभी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं ओवर द गूगल मीट और ये हमारा एक ऑडियो कॉल वीडियो कॉल चल रहा है हमारा अब मान के चलो कि मैं हमारी जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो यू के थ्रू हो रही है ध्यान रखना क्योंकि वो जो वॉइस ओवर डेटा होता है जितने भी हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है वो सारा का सारा डेटा जो है यू हैंडल करता है मीन्स वो जो डेटा जाता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वो यू कैरी करता है यूडीपी को यहां पे क्यों ले आया गया ताकि हमारा डेटा फास्ट डिलीवर हो सके और दूसरी चीज कि अगर मैं यूडीपी थ्रू डेटा भेज रहा हूं मतलब हम लोग बात कर रहे हैं ड्यूरिंग दैट टाइम मेरा इंटरनेट थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो अगर इंटरनेट डिस्टर्ब होता है तो उस टाइम पे मेरा जो वॉइस है ब्रेक हो जाएगा या हो सकता है उस टाइम के लिए मेरा आपको वॉइस आना बंद हो जाए <coughs> और कनेक्शन जैसे ही रीस्टैब्लिश हो फिर वहीं से हमारा बात करना शुरुआत हो तो बीच में जितनी बातें मैंने बोली वो कट हो गई क्या वो दोबारा रीट्रांसमिट होगा नहीं होगा अपने आप तो कभी नहीं होगा मुझे खुद से बोलना पड़ेगा मतलब आपने कभी ना कभी फील किया होगा व्हाट्सएप कॉल पे हो उस टाइम पे आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ तो आपने सामने वाला जो बोल रहा है उसकी वॉइस कट होनी शुरू हो गई तो वो हमारा यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल पे होता है और अगर ऐसा होने लगे कि यूडीपी को हम रीट्रांसमिट करने लगे तो प्रॉब्लम होगी क्यों क्योंकि अगर डेटा में मैं कुछ बोल रहा हूँ बीच में कुछ बोल रहा हूँ और डेटा मिस हो गया और उसको मैं रीट्रांसमिट करता हूँ तो आपके सेंटेंस चेंज हो जाएंगे समझो इस चीज को आपने बोला आप कैसे हो मैं आज नहीं आ सकता अब मैं आप कैसे हो चला गया लेकिन मैं नहीं आ सकता बाद में जा रहा है और लॉस हो गया मैं उसको दोबारा से रिट्रांसलेट करूँ तो आपके सेंटेंस मीनिंग चेंज हो जाएंगे या मान के चलो आप कोई लाइव स्ट्रीमिंग मैच देख रहे हो वर्ल्ड कप देख रहे हो और जब आपका लास्ट ओवर रह जाता है या फिर मान के चलो बीच में ओवर बीच में नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है और आधे घंटे के लिए दस मिनट के लिए आपका नेटवर्क डिस्टर्ब रहता है और लाइव स्ट्रीमिंग क्या होती है उस टाइम तक आपके डिस्टर्ब रहता है और जैसे आपका कनेक्शन स्टैब्लिश होता है मैच वहीं से स्टार्ट हो रहा होता है जहां से चल रही होती है ऐसा तो नहीं कि जो आधा घंटा आपका रुक गया था उसको दोबारा से दिखा रहे हैं आपको ऐसा कभी नहीं होता है इसीलिए हमारा जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है ऑनलाइन वीडियो गेम्स आप खेल रहे होते हो वॉइस ओवर कॉल करते हो व्हाट्सएप कॉल करते हो वीडियो कॉल करते हो फेसबुक वीडियो कॉलिंग करते हो ऑल आर वर्क ऑन द पी बेस्ड खुद हो गया, हो गया, से, से दोबारा ना बोलो मैं बात कर रहा हूं बीच में कट हो गया तो मैं दोबारा बोलूंगा तभी दोबारा आपको सुनाई देगा बीच में अपने आपसे वो डेटा लॉस हो गया तो अपने आपसे यूडीपी प्रोटोकॉल उसको लेकर नहीं जाएगा तो आई होप सो यूडीपी और टीसीपी के बारे में कंपेरिजन क्लियर हुआ होगा सबको हांजी हेलो 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 ओके क्लियर है आपको ठीक है नहीं सो टीसीपी so, का जो हेडर साइज है वो ट्वेंटी बाइट्स का होता है यानी जो टीसीपी जो डेटा लग पे ऊपर ऐड होता है वो हमारा ट्वेंटी बाइट का होता है और यूडीपी का हमारा फोर बाइट का होता है ठीक है दैट्स व्हाई टीसीपी थोड़ा फास्ट स्लो इसलिए क्योंकि हेडर साइज भी बड़ा है इसका अcknowledgment तक है कांसेप्ट इसका यूडी पी फास्ट है बिकॉज ऑफ कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है कोई रिलायबिलिटी नहीं है प्लस इसका हेडर का साइज भी छोटा है अब ये हेडर क्या होता है वो डेफिनेटली हम आगे चल के पढ़ेंगे ठीक है चलो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे टी सी पी यूडीपी का कंपेरिजन हमें समझ लिया नाउ अब ध्यान से समझो अब ये जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब डेटा आएगा तो डेटा आने के बाद उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तो मान के चलो कि मेरे पास जो छोटे छोटे पार्ट थे उसमें से मेरा एक पार्ट है ये एक चंक है इसको बोलेंगे हम डेटा ये मेरा डेटा है मेरा प्योर डेटा है दिस इज आवर डेटा कैपिटल दिस इज योर डेटा ठीक है ट्रांसपोर्ट लेयर पे बात कर रहा हूँ मैं भी सारा कुछ ठीक है तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है कि आपके जो डेटा को है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो पार्ट कट हुआ है उस पार्ट को हम चंक बोलेंगे तो मान के चलो उन्हीं में से एक चंक ये वाला है ठीक है अब इस चंक के ऊपर क्या होगा एक ट्रांसपोर्ट लेयर का हैडर ऐड होगा मैं यहां पे टीएल लिख देता हूं ट्रांसपोर्ट लेयर एक सेकंड। टीएल हैडर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर ऐड होगा और जब यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर ऐड हो जाएगा ना इस आपके डेटा के ऊपर जब आप किसी को कोई लेटर भेजते हो तो आप क्या करते हो लेटर को एक एनवलप में पैक करते हो राइट तो ये कह लो कि ये जो टीसीपी का हेडर जो लगा ये एनवलप है आपके डेटा के ऊपर ये है एक एनवलप ऐड हो गया ठीक है उसके अंदर आप टू वन फ्रॉम का एड्रेस लिखते हो इसी तरीके से इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड होगी वो हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे फिलहाल के लिए इस चंक को आपने आपके ट्रांसपोर्ट लेयर उठाया और उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या लगा दिया हेडर लगा दिया तो डेटा प्लस ट्रांसपोर्ट लेयर का हैडर ये कहलाता है आपका इसको कहते हैं हम सेगमेंट सेगमेंट तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पीडीयू डी यू प्रोटोकॉल डेटा यूनिट बेसिकली क्या है देखो ये जो आपका पी डीयू है ये आपके डेटा को कॉल करने का एक तरीका है कि आप एक पर्टिकुलर लेयर पे उस डेटा को क्या बुलाओगे इट इज द नेम ऑफ योर डेटा डेटा को जैसे आपका एक नाम है आपके घर में आपको एक छोटे आपको एक प्यारे नाम देता चिंकू मिंकू नाम से बुलाते हैं बट ऑफिस में, में तो ही बंदे के दो नाम होते हैं इसी तरीके से जो डेटा है तो जब डेटे के डेटा के ऊपर जब ये पे जब हेडर आपका लगेगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इनकैप्सुलेट मतलब आपके डेटा के ऊपर क्या ऐड हुआ ट्रांसपोर्ट हेडर ऐड हुआ तो उस प्रोसेस को बोला हमने क्या हुआ ट्रांसपोर्ट इनकैप्सुलेट हुआ सॉरी उसको बोलेंगे हम सेगमेंट यानी डेटा प्लस योर ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर इट्स सेगमेंट मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीयू क्या है सेगमेंट पीडीयू का मतलब है कि डेटा को किस नाम से बुलाओगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट एंड सेगमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा प्लस ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर इफ समवन से समवन आस्क इन द इंटरव्यू कि व्हाट इज अ सेगमेंट सो यू कैन से सेगमेंट इज अ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डेटा प्लस ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर इज कॉल्ड अ सेगमेंट या आपसे पूछा जा सकता है ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीओ का नाम बताओ अब सोचो सोचोगे पीडीओ तो पीडीओ का मतलब पूछ रहा है कि डेटा को किस नाम से बुलाते हो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वी कॉल्ड अ सेगमेंट समझ में आया सबको ये सेगमेंट क्या है <coughs> पीडीओ क्या है सबको हां जी कोई डाउट तो नहीं है यहां पे चलो ठीक है आगे बढ़ते नाउ अब यहां पे ध्यान से समझना मैंने बताया कि जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन मतलब इट विल कट योर डेटा इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस एंड जब वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसको कट करेंगे कट करने के बाद उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर लगेगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर लगता है जिसमें दो हेडर होते हैं एक टीसीपी का हेडर या तो टीसीपी का हेडर लगेगा या तो उसके ऊपर यूडीपी का हेडर लगेगा तो ध्यान रखना अगर आपका डेटा है अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं अगर आपका डेटा है इस डेटा के ऊपर अगर टीसीपी का हेडर लगता है अगर यानी डेटा के ऊपर टीसीपी कैप्सुलेट होता है लेयर में दो प्रोटोकॉल है टीसीपी या यूडीपी तो टीसीपी का हेडर लगेगा, या तो यूडीपी का लगेगा तो टीसीपी का हेडर लगेगा तो हम इसको बोलेंगे सेगमेंट और अगर हमारा डेटा है प्लस उसमें हमारा लगता है यूडीपी हेडर तो इसको बोलेंगे हम डेटाग्राम ध्यान रखना इफ समवन इन द इंटरव्यू डेटा प्लस ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर बोला है उसने तो क्या बोलेंगे वी विल कॉल अ सेगमेंट ये आपसे बोले कि मेरा डेटा है प्लस टीसीपी का हेडर है क्या बोलेंगे सेगमेंट इफ द डेटा इनकेट इन यूडीपी व्हाट वी कॉल्ड कॉल्ड इज ग्राम तो ध्यान रखना ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इंटरव्यू भी क्लियर कराएंगे आपके और एग्जाम भी क्लियर कराएंगे आपके ठीक है तो वहाँ पे अगर हम मान के चलो कि आपके एग्जाम में ये चीज आ जाए व्हेन वेन डेटा इन कैप्सुलर विदी यूडीपी वेन वट वी वी कॉल्ड डेटाग्राम डेटा सेगमेंट एंड कुछ और दे दिया तो आपको डेटाग्राम पे टिक मारना है सेगमेंट पे टिक मार दोगे गलत हो जाएगा ठीक है ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको याद रखना है ठीक है तो कोई डाउट है यहां तक पूछ सकते हो एनी डाउट यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक सबको बिन्नी जी उल्लास जी रेपी ठीक है चलो ग्रेट आगे बढ़ते हैं, अभी ट्रांसपोर्ट लेयर खत्म नहीं हुआ अभी ट्रांसपोर्ट लेयर ही चल रहा है ठीक है नाउ सो so, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो हमारे दो प्रोटोकॉल है टी सी पी एंड यू डी पी अब आपके बाद में ये क्वेश्चन भी तो आ सकता था कि सर टी सी पी का हेडर कब लगेगा एंड यूडीपी का हेडर कब लगेगा तो मुझे बताओ तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो आपको मैं बताऊंगा कि इसके लिए हमारे पास जो प्रोटोकॉल है उसके स्टैंडर्ड्स हैं जैसे बेस कुछ टी सी बी बेस्ड प्रोटोकॉल होंगे कुछ यू डी पी बेस्ड ये फिक्स है डियर टी सी पी बेस्ड प्रोटोकॉल हमारे पास हैं जैसे एस टी टी पी एस टी टी पी एस एफ टी पी एस एफ टी पी पॉप थ्री आई मैप एस एम टी पी टेल नेट एस एस एच और भी है हमारे पास फिलहाल के लिए इतना है रखते हैं तो दीज आर प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल अच्छा बीजेपी भी लिखवा देता हूँ बीजेपी यह हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि टी सी पी बेस्ड है ध्यान रखना यानी एप्लीकेशन लेयर पे उस डेटा को जनरेट करने के लिए जो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज होगा उसके बेसिस पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो हैडर एड -head होगा तो अगर डेटा आपका इन प्रोटोकॉल में से किसी प्रोटोकॉल ने जनरेट किया है तो वो हमेशा टीसीपी के थ्रू जाएगा ठीक है अगर टेलनेट करते हैं तो टीसीपी बेस्ड है तो दीज आर टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं हम टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल इसी तरीके से यूडीपी बेस्ड भी प्रोटोकॉल होता है जिसे बोलते हैं डीएनएस डीएचसीपी एस एन एम पी टी टी एफ आर आई पी प्रोटोकॉल हाँ आईजा कैम्प बहुत सारे हैं दीज आर द प्रोटोकॉल विच इज वर्क ऑन यू डी पी बेस्ड ठीक है तो अगर डीएनएस का कोई सर्विसेज आप यूज कर रहे हो तो उसका डेटा जब एप्लीकेशन पर डी एन एस सर्विस जनरेट जब डीएनएस प्रोटोकॉल जनरेट करेगा प्रेजेंटेशन पे आएगा सेशन पे आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पर आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आते ही उसके ऊपर यूडीपी का डेटा इनकेट होगा ठीक है डी एन एस कभी कभी हमारा टी सी पी बेस्ड भी हो सकता है तो डी एन एस जो ऐसा प्रोटोकॉल है वो टी सी पी बेस्ड भी हो सकता है टाइम तो हम डी एन एस पढ़ेंगे तब मैं समझाऊंगा लेकिन डी एन एस एक्चुअल में यू डी पी के ऊपर ही काम करता है इतनी चीज़ सबको समझ में आई ये वो डे टू डे प्रोटोकॉल है जो हम रेगुलर यूज करते हैं कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकते हो फिर हम आगे बढ़ते हैं क्लियर है सबको प्लीज़ एक्नोलिज गाइस ठीक है ठीक नाउ अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे अ, और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं नम्बर. पोर्ट नंबर पोर्ट नंबर अब देखो पोर्ट जो होते हैं पोर्ट्स आर टू टाइप्स द पोर्ट्स आर टू टाइप्स वन इज फिजिकल पोर्ट वन इज लॉजिकल पोर्ट फिजिकल पोर्ट किसे बोलते हैं जैसे हमारे पास एक स्विच है या राउटर है उसके जो पोर्ट्स होंगे ये हमारे फिजिकल पोर्ट्स आर आर फिजिकल फिजिकल पर लॉजिकल पोर्ट्स क्या होते हैं इट्स अ नंबर सिस्टम ठीक है तो हम बात करेंगे पोर्ट नंबर्स की तो यहां पे जैसे ये फिजिकल पोर्ट है इसमें फार्स्ट इतना जीरो बाई वन नंबर लिखा होगा इसमें जीरो बाई टू लिखा होगा तो ये जो नंबर है ये फिजिकल पोर्ट नंबर है दीज आर फिजिकल पोर्ट नंबर बट जो मैं पोर्ट नंबर की बात कर रहा हूँ वो लॉजिकल पोर्ट नंबर की बात कर रहा हूं आई एम टॉकिंग अबाउट लॉजिकल पोर्ट नंबर अब लॉजिकल पोर्ट नंबर क्या होता है इट्स अ नंबर इट इज अ नंबर जीरो टू पैंसठ हजार पांच सौ पैंतीस ये जीरो से लेके पैंसठ हजार पांच सौ पैंतीस तक इसकी रेंज होती है जीरो से लेके जीरो जो होता है वो रिजर्व होता है ठीक है इसको हम यूज नहीं करते बट वन से लेके वन जीरो टू थ्री इसको बोलते हैं हम वेल नोन पोर्ट आर वेल नोन पोर्ट और 1024 से लेके हाँ एक बार म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा थैंक यू सो मच थैंक यू सो जो हमारा पोर्ट नंबर 1024 से लेके जो पैंसठ जो बचे हैं ये हमारे रैंडम पोर्ट में काउंट होते हैं रैंडम पोर्ट नंबर अब इन रैंडम पोर्ट में भी ना कुछ पोर्ट आपके सर्विसेस के लिए रिजर्व हैं, जैसे कि थ्री थ्री एट नाइन है जो किसी के बीच का रेंज है ये हमारा आर प्रोटोकॉल के लिए है। जैसे आप लोग किसी माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का या किसी माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को जब सी करते हो लाइक ये एमएसटी तो आपसे यहाँ पे आपके सिस्टम का आईपी मांगा जाता है और आप एंटर कर लेते हो तो ये जो प्रोटोकॉल यूज होता है विस इज आर जो कि 3389 पोर्ट को यूज़ करता है ऐसे और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं तो हमारे को जो बात कर रहे हैं हम इनके बीच की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो एक से लेके एक तक ये हमारे वेल नोन पोर्ट हैं और ये किसी ना किसी सर्विसेज के लिए फिक्स है जैसे कि मैं एस अगर पोर्ट नंबर बोलूँ देखो, याद नहीं तो गूगल कर लेना और जो हम लोग रेगुलर तो याद रहते हैं लेकिन कुछ पोर्ट नंबर कि सर अगर हमें कोई मिल जाए कि एक पर्टिकुलर सर्विस है उसका पोर्ट नंबर मुझे नहीं पता तो गूगल से पूछ लो गूगल आपको बता देगा ठीक है क्योंकि पैंसठ पोर्ट नंबर होते हैं जिसमें से हमारे एक से लेके एक तक तो हमारे पास वेल नोन पोर्ट होते हैं तो आपको लगता है कि एक हजार पोर्ट नंबर की सर्विसेज आप याद कर लोगे कर लोगे इट विल टेक मोर टाइम तो क्यों इतना दिमाग को खपाना है हम लोगों को तो कुछ चीज़ें हम गूगल की हेल्प से भी करते हैं ऐसा नहीं है कि जो आपके पंद्रह साल बीस साल की का जो एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं वो कभी गूगल चीज को करते नहीं है ठीक है ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी जो आपने कभी लाइफ टाइम में देखी भी नहीं होगी लेकिन आपको काम करते करते एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप आने वाले हर चैलेंज को आप एक्सेप्ट करोगे और उसको सॉल्व भी कर पाओगे ठीक है तो मैं आपके सामने कुछ प्रोटोकॉल्स लिखवा रहा हूँ और उस प्रोटोकॉल के जो पोर्ट्स हैं वो फिक्स्ड हैं वो कभी चेंज नहीं हो सकते बट यू कैन चेंज इट वो भी मैं बताऊँगा कैसे करते हैं ठीक है आने वाले टाइम में उसके ऊपर भी हम बात करेंगे फिलहाल मैं आपके सामने जो वेल नॉन पोर्ट है वो लिखवा रहा हूँ जैसे एस का पोर्ट नंबर होता है अस्सी सबको पता है ये बात ठीक तो है तो मेरा एक सर्वर है जिसपे मैं वेब एस की सर्विज चला रहा हूँ मतलब वेब सर्विसेज चला रहा हूँ तो ये किस पोर्ट पे लिसन करेगा अस्सी पोर्ट पे बट मैं कहूँ कि नहीं इस सर्वर को अस्सी पोर्ट पे मुझे नहीं लिसन करवाना इसको अस्सी अस्सी पे करवाना है तो एक रैंडम पोर्ट नंबर है मैं ये वे अलग भी चेंज कर सकता हूँ वो कैसे करेंगे मैं सिखाऊंगा इट इज नॉट पार्टर इन दी सी एन बट आई विल लर्न यू क्योंकि मैं इसको सिखाने का मतलब ये है कि ये अगर आप सीखोगे तो आपको बहुत हेल्प होगी तो ये हम सीखेंगे जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा नेट पढ़ाऊंगा ठीक है सीसीएन में जो है वो तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा बट इसके अंदर मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा एड करके बताऊंगा ताकि आपको पोर्ट नंबर भी चेंज करना आ जाए ठीक है तो हम लोग पढ़ेंगे उस चीज को भी तो फिलहाल के लिए मैं आपके सामने कुछ सर्विसेज लिख रहा हूँ यानी कुछ प्रोटोकॉल्स लिख रहा हूं उसके पोर्ट नंबर लिख रहा हूं तो मैं यहां पर लिखता हूं सर्विस और ये सारा टीसीबी बेस्ड बता रहा हूं और यूडीपी बेस्ड ठीक है टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट नंबर देखो एप्लीकेशन लेयर पे हमारी सर्विसेज यूज़ होती हैं एस अगर आपने कोई वेबसाइट एक्सेस करना है तो एप्लीकेशन लेयर पे एस सर्विसेज यूज़ होगी अगर कोई फाइल आपको अपलोड या डाउनलोड करना है तो एफ की सर्विसेज यूज़ होगी अगर आपको कोई आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली गेन करना है तो डीएससीपी की सर्विसेज यूज़ होगी अगर किसी नाम को आईपी में कन्वर्ट करना है तो डी की सर्विसेज याद होगी ये वो नाम है बता रहा हूं कि जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं जब आप नेटवर्क में मेल को सेंड करेंगे तो एस प्रोटोकॉल यूज होता है तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉर डिफरेंट डिफरेंट यूजेज तो जो आपकी एप्लीकेशन लेयर पे जो भी सर्विसेज आप यूज करोगे तो वो सर्विसेज आपकी उसका डेटा जनरेट होके ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा और ट्रांसपोर्ट लेयर पे उस पर्टिकुलर सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको पोर्ट नंबर देते हैं जैसे स्कूल में आपका नाम होता है और उसके साथ साथ आपका रोल नंबर भी होता है तो नाम और रोल नंबर दोनों एक दूसरे के कोरस्पॉन्डेंट है नाम आपका अमित है बट रोल नंबर आपको बताता है कि आप इस पर्टिकुलर क्लास के ये आपका रोल नंबर है तो आपको रोल नंबर से भी आइडेंटिफाई किया जाता है ऐसे ही ऑफिस में इंप्लॉय होती है, हमें किया जाता है इसी तरीके से जो एस टी टीपी इंग्लिश का एक वर्ड है कंप्यूटर्स कभी इंग्लिश हिंदी में बात नहीं करते कंप्यूटर कैसे समझेगा कि ये एस टी टीपी की सर्विस है <coughs> या ये टेलनेट की सर्विसेज है तो इसके लिए क्या यूज होता है पोर्ट नंबर तो अगर आपने टेलनेट की सर्विसेज़ को इनिशिएट किया है एप्लीकेशन लेयर पे, तो टेलनेट का सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए टेलनेट का पोर्ट नंबर यूज होगा वो मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा फिलहाल के लिए मैं आपके सामने कुछ टीसीपीपी के पोर्ट नंबर लिखवा रहा हूँ यहां लिखवा रहा हूं मैं सर्विसेज, इसको आप सर्विसेज भी बोल सकते हो <coughs> प्रोटोकॉल भी बोल सकते हो और मैं यहां पे लिखवाऊंगा साथ में इसका पोर्ट नंबर तो एस टी टी का पोर्ट नंबर होता है अस्सी ज्यादा दूर दूर हो गए यहां लिख लेते हैं और एस, टी टी एस है एच इसका पोर्ट नंबर होता है Telnet इसका पोर्ट नंबर होता है ट्वेंटी थ्री एस एस एच इसका पोर्ट नंबर होता है ट्वेंटी टू एफ टी पी इसका पोर्ट नंबर होता है ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन बात करेंगे ट्वेंटी कब होता है ट्वेंटी वन कब होता है डी एन एस का पोर्ट नंबर होता है फिफ्टी थ्री डी एस सी पी का यूज होता है आ, सिक्सटी सेवन एंड सिक्सटी एट दोनों यूज होते हैं ठीक है मैं एक्सेक्टर लिख दे रहा हूँ ऐसे अगर आप लिखे तो वो लिखते ही चले जाएंगे ठीक है और भी होते हैं लेकिन मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए और ये फिक्स होते हैं एस का पोर्ट नंबर अस्सी ही होता है एस का फोर ही, ही होता है बट यू कैन चेंज इट कर सकते हैं बट डिस डिफॉल्ट पोर्ट नंबर और ये फिक्स्ड है ऐसा नहीं हो सकता कि 80 पोर्ट नंबर को मैं टेलनेट के लिए यूज़ करूं इज नॉट पॉसिबल राइट right? हा मैं 23 23 पोर्ट नंबर को मैं टेलनेट के लिए यूज कर सकता थ्री ये रैंडम पोर्ट नंबर है रैंडम पोर्ट को मैं सकता हूं बट इट्स इट आर वेल नोन पोर्ट नंबर रेंज कहां से होती है एक से लेके एक के बीच में इनको मैं कभी भी चेंज नहीं कर सकता किसी न किसी सर्विसेज के लिए फिक्सड है कोई डाउट यहाँ पे एनी डाउट फ्रॉम द सर्विसेज में यहाँ पे किसी को क्लियर है उ तो यहां पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर होता है खत्म अगला जो लेयर है विच इज नेटवर्क लेयर आलिम जी अब आप मैं आपको ये रिकॉर्डिंग आज मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा और रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ हाँ आज मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा तो जो स्टार्टिंग का एक घंटा आपको मिल जाएगा देखने के लिए ठीक है ये पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने इसके अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर को पिछले ले घंटे से समझा रहा हूं और ट्रांसपोर्ट लेयर सिर्फ दस मिनट का पार्ट है पंद्रह मिनट का पार्ट है सीसीएन लेवल पे मैंने एक घंटा स्पेस ले दिया क्योंकि मैंने हर पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया है और जो पॉइंट आप इनको कर लेंगे मैं गारंटी ले सकता हूं कि इंटरव्यू में कुछ भी चीज है जो मैंने यहां पे कवर नहीं करी है ठीक है सीसीएनपी लेवल की चीज है यहाँ पे कवर करी है तो ट्रांसपोर्ट लेयर को डिटेल में समझना क्योंकि यही सबसे मेजर लेयर होता है जो इंटरव्यू सबसे पहले फंसाता है आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे ठीक है तो इसलिए डिटेल में इसको समझा रखा है नाउ अब जो वीडियोस मैं आप लोगों को दूंगा उसको डाउनलोड कर लेना क्योंकि अब गूगल ने क्या किया है अपनी एक, एक पॉलिसी लेकर आए हुए हैं जिसमें क्या है कि अगर मैं कोई ऐसे जैसे मैं पहले बनाता था सी सी मान के चलो कि ये दस फरवरी का बैच है तो इस नाम से मैं जी मेल की आई बनाता था अब गूगल ने क्या किया है? इन चीज़ों को आ, डिलीट करना शुरू कर दिया है तो मेरे पास जितने भी आईडी से सारे डिलीट हो गए हैं अपने आप ही कोई भी अब जितने भी बच्चे को रिकॉर्डिंग थी वो सब चली गई तो रिकॉर्डिंग मेरे पास सेव रहती हैं तो इसीलिए मैं अब डाउनलोडिंग का भी मैं आप लोगों को एक्सेस दे रहा हूँ पहले डाउनलोडिंग का एक्सेस नहीं देता था तो डाउनलोड जरूर कर लेना तो मैं पूरा फोल्डर का एक्सेस दे दूंगा आप लोगों को आई विल गिव इट टू द पूरा फोल्डर ताकि वो फोल्डर का लिंक आपके पास रहे आप उसको कहीं सेफ जगह पर सेव कर लेना आपको मैं उस फोल्डर के अंदर खाली जैसे रिकॉर्डिंग ख़त्म होगी अपलोड कर दूंगा उसको डाउनलोड कर लेना डाउनलोड करके अपने पास सेव लोकेशन पे या अपने कोई गूगल ट्रैप का अकाउंट बना के उस पर अपलोड करके सेव कर लेना फ्यूचर यूज़ के लिए क्योंकि डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास चला जाएगा फिर मैं आपको अपने सिस्टम से उसको डिलीट कर दूंगा ठीक है लेकिन मैं एकदम से डिलीट नहीं करूंगा कुछ एक टाइम के लिए रखूंगा लेकिन डाउनलोड करके अपने पास कर लेना फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की उस फाइल को संभाल लेगी ठीक है चलिए नाउ अगेन हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट लेयर की विच इज नेटवर्क लेयर वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है ये भी ठीक है नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है नेटवर्क <coughs> का लेयर का काम होता है प्रोवाइड लॉजिकल एड्रेसिंग लॉजिकल एड्रेसिंग ठीक है लॉजिकल एड्रेसिंग का मतलब है आईपी एड्रेस, जो आपका नेटवर्क लेयर है वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है तो आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं आईपी एड्रेस के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि एड्रेस क्या होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एड्रेस का ही रहेगा दूसरा पॉइंट है इट प्रोवाइड इट्स प्रोवाइड पाथ डिटर्मिनेशन यानी अगर आपके पास <coughs> मैं आपके पास नहीं कह रहा हूं एक डिवाइस के पास एक राउटर का एग्जांपल लेते हैं हमारे पास ये नेटवर्क में एक डिवाइस है राउटर जो क्या करता है नेटवर्क में पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन तो जो नेटवर्क लेयर है उसके ऊपर हमारा ये डिवाइस काम करता है तो हो सकता है कि अभी ये कोई चीज आपको समझ में ना आ रही हो तो सिर्फ सुनना है अभी आपको <coughs> जब हम इसको आगे प्रैक्टिकल में करेंगे तो यू विल मो क्लियर तो अब इस राउटर के पास एक पैकेट आया सपोज इसने एक पैकेट को रिसीव किया अब उस पैकेट को क्या करना है इसको फॉरवर्ड करना है भेजना है नेटवर्क पे सेंड करना है तो अब सेंड करने के लिए इसके पास तीन अलग अलग रास्ते हैं तो इनमें से कौन सा पाथ इसके लिए बेस्ट रहेगा इसी को बोलते हैं पाथ डिटर्मिनेशन जैसे आपको अपने घर से ऑफिस जाना है आपके ऑफिस से घर जाने के लिए आप घर से ऑफिस जाने के लिए आपके पास तीन या चार रास्ते हैं आप उनमें से उस रास्ते को चूज करते हो जो सबसे छोटा रास्ता होता है एक रास्ते से दो किलोमीटर पहुंचते हो एक किलोमीटर एक से पांच किलोमीटर लगता है एक में आठ किलोमीटर एक में दस किलोमीटर तो जो दो किलोमीटर वाला रास्ता है उसको आप पकड़ोगे उसी से जाओगे <coughs> तो इसी को बोलते हैं पाथ डिटर्मिनेशन तो जो आपका नेटवर्क लेयर है ये नेटवर्क लेयर के अंदर आपका जो नेटवर्क लेयर है है वो पाथ के लिए यानी एक पैकेट जब रिसीव होता है नेटवर्क में तो उस पैकेट को कौन से रास्ते से भेजना है इसी को बोलते हैं पाथ डिटर्मिनेशन और इस चीज को डिसाइड कौन करता है नेटवर्क लेयर अगेन ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली बैक एंड पे हो रही हो रही होती हैं हाँ, हम कुछ चीजें अपने एंड पे कंफिगर करते हो तो मैं वो चीज जब हम लोग उस लेवल पे पहुंचेगा तो डेफिनेटली बताऊंगा अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि बैक एंड में प्रोसेसिंग कैसे हो रही होती है डेटा कैसे फ्लो होता है वो सारी चीजें नेटवर्क लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पहला लॉजिकल एड्रेस को प्रोवाइड करना मतलब आई एड्रेस को प्रोवाइड करना उसके बाद पाथ डिटर्मिनेशन कि अगर आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना है उस एड्रेस पर जाने के लिए आपके पास चार पांच रास्ते हैं उसमें से कौन से पाथ को चूज करते हुए डेटा को भेजोगे इसको बोलते हैं पाथ डिटर्मिनेशन और इसी को नेटवर्क लेयर यूज़ करता है ठीक है उसके बाद अगला है प्रोवाइड राउटिंग ये राउटिंग भी प्रोवाइड करता है मतलब देखो मुझे ये तो पता लग गया कि डेटा को मुझे किस रास्ते से भेजना है लेकिन रास्ते से भेजने के लिए मैं डेटा को किस तरीके से लेके जाऊंगा मैंने रास्ता देख लिया कि भैया मुझे इस रास्ते से जाना है तो उस रास्ते से जब मैं डेटा को लेकर जाऊंगा तो मैं किस तरीके से लेके जाऊंगा उस प्रोसेस को बोलते हैं राउटिंग मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ले जाने के डेटा के प्रोसेस को ही बोलते हैं राउटिंग मतलब

इस चीज को जब मैं राउटिंग पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा तो नेटवर्क लेयर का यह कॉन्सेप्ट होता है कुछ ज्यादा नेटवर्क लेयर में है नहीं <coughs> अब नेटवर्क लेयर में क्या होता है ध्यान से समझो तो पहले अच्छा नेटवर्क लेयर का पीडीयू क्या होता है नेटवर्क लेयर पीडीयू इज पैकेट पीड्यू का मतलब होता है मैंने अभी थोड़ी देर पर बताया था कि पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट यानी डेटा को आप पर्टिकुलर लेयर पे क्या बोल बोलोगे मतलब क्या कॉल करोगे जैसे आपका नाम घर पे हो सकता है कि कुछ और हो और ऑफिस में स्कूल में कुछ और हो होता है ना चिंकी मिंकी नाम टाइप का बंदा होता है घर में तो चिंकी मिंकी का बुला लेते हैं और ऑफिस में तो आपको अच्छे नाम से बुलाते हैं तो इसी तरीके से जो डेटा है उस डेटा को भी हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं जब वो पर्टिकुलर लेयर पे होता है तो अगर नेटवर्क अगर हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे है मतलब अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पे है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम उसको बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं और डेटाग्राम भी बोलते हैं थोड़ा वीडियो देख लेना समझ में आ जाएगा तो नेटवर्क लेयर पे हम बोलते हैं पैकेट पैकेट मतलब कब बोलेंगे पैकेट तो ये था आपका डेटा डेटा के ऊपर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर लगता है जब सेशन लेयर से डेटा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर का डेटा लगता है फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा हेडर लगने के बाद वो डेटा फिर नेटवर्क लेयर पे आता है और नेटवर्क लेयर पे जाके फिर नेटवर्क लेयर का हेडर लगता है तो ये है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर मैंने टीएल हेडर लिख दिया यहाँ पे और ये हमारा नेटवर्क लेयर एनएल हेडर मतलब नेटवर्क लेयर का हेडर और ये है आपका रियल डेटा जो कैरी करना है तो डेटा प्लस ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर ऐड हुआ लेयर फोर पे उसके बाद लेयर पे आके क्या ऐड हुआ नेटवर्क लेयर का हेडर ऐड हुआ तो इस पूरे डेटा को मैं बुलाऊंगा पैकेट ठीक है तो मैं आपके सामने ना एक बुक ओपन करता हूं कि मैं सेकंड और यही फाइल मैं आप लोगों को दूंगा भी ठीक है पीडीएफ फाइल स्टडी पीडीएफ हाउ टू मास्टर एक सेकेंड इस फाइल को ओपन कर लेते हैं <coughs> एक रुको तो दिखा रहा हूँ वो एक बार ये फाइली फाइल मैं आपको भेज दूंगा आ, ये तो नेटवर्क लेयर आई पी पे आ गया ना एक सेकेंड को ओ एस आई मॉडल यहाँ पे होगा द ओ एस आई मॉडल ठीक है मैं इन कैप्सुलेशन दिखा रहा हूँ एक मिनट रुक जाओ अभी आ जाएगा तो आईपी पे आ गए हम लोग डेटा इन कैप्सुलेशन नहीं है इसके अंदर शायद रुको मैं गूगल पे देता हूं शायद इसमें होगा ढूंढना पड़ेगा <coughs> यहां लेते हैं डेटा इन कैप्सुलेशन ओ एस आई मॉडल इमेज दिस वन सी थोड़ा सा और कोई पिक्चर क्लियर सा मैं दिखाता हूं नहीं <coughs> 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 मैं कोई बढ़िया सा पिक्चर ताकि आपका क्लियर हो कोई डाउट ना रहे गिव अ सेकेंड डेटा इनकेशन ओ एस आई मॉडल दिस इज ओपन इन इमेज इन tab. ठीक है इसको कॉपी कर लेते हैं स्क्रीन पे

तो इसको बोलेंगे हम सेगमेंट उसके बाद डेटा कहां पे आया नेटवर्क पे, पे क्या है, है, है लेर क्या लग गया? 3 लग गया तो इसको बोलेंगे हम लोग पैकेट्स इस और जब ये लेयर टू पे आएगा तो लेयर टू पे क्या लगता है भी लगता है और ट्रेलर भी लगता है भी थोड़ी में डिस्कस करेंगे इसके बारे में यानी डेटा है डेटा के ऊपर लेयर फोर का हेडर लगा था उसके बाद लेयर थ्री का लगा उसके बाद लेयर टू का हैडर भी लगा प्लस ट्रेलर भी लगा अभी ट्रेलर का क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे और इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेम तो कहने का मतलब कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो पीडीयू होता है वो होता है सेगमेंट जिसमें डेटा प्लस ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर होता है नहीं, लेयर फोर का हेडर होता है उसके बाद नेटवर्क लेयर नेटवर्क लेयर पे जो डेटा होता है डेटा प्लस लेयर फोर हेडर प्लस लेयर थ्री हैडर इसको अ पैकेट और डेटा प्लस लेयर फोर हेडर प्लस लेयर थ्री हेडर प्लस लेयर टू हेडर और इधर लेयर टू ट्रेलर इसको बोलेंगे हम लोग फ्रेम अभी थोड़ी देर में इस पर आते हैं तो अब क्या हुआ कि लेयर थ्री पे जो नेटवर्क लेयर लेयर था हमारा इस नेटवर्क पे क्या बना हमारा पैकेट बना इस नेटवर्क लेयर पे क्या बना हमारा पैकेट इस पैकेट के अंदर क्या है हमारा डेटा प्लस लेयर फोर हेडर प्लस लेयर हेडर पैकेट रिसीव हुआ कहां पे डेटा लिंक लेयर जिसको हम लोग लेयर भी बोलते हैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं इसके बारे में डिटेल में नाउ तो ये था पैकेट इस पैकेट के अंदर अच्छा पहले तो मैं इसके बारे में लिखवा देता हूं फिर इसके बारे में आते हैं डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है डेटा लिंक लेयर का काम होता है डेटा लिंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इट्स प्रोवाइड फिजिकल एड्रेसिंग जैसे हमारे पास जो हमारा नेटवर्क लेयर था वो लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करता था मतलब आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम करता था But जो डेटा लिंक लेयर है प्रोवाइड फिजिकल एड्रेसिंग फिजिकल एड्रेसिंग फिजिकल एड्रेसिंग हम बोलते हैं मैक एड्रेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी मैक एड्रेस को मैं अलग से पढ़ाऊंगा आई एड्रेस को भी मैं अलग से पढ़ाऊंगा सिर्फ अभी समझ लो ये चीजें होती हैं ठीक है सेकेंड काम होता है डेटा लेयर डिलीवरी नोड टू नोड डिलीवरी लेने का काम डेटा लिंग लेयर का होता है वो भी हम लोग देखेंगे इसका मतलब क्या है ठीक है थर्ड पॉइंट इट्स प्रोवाइड इट्स प्रोवाइड एरर चेकिंग, यानी आपके डेटा में किसी तरह का एरर है नहीं है यह कौन लेता है आपका डेटा लिंक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अगर डेटा में किसी तरह का एरर होता है तो डेटा को क्या कर दिया जाता है ड्रॉप कर दिया जाता है नोट नोट टू डिलीवरी मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको पैकेट फ्लो समझाऊंगा पैकेट फ्लो पैकेट फ्लो जब मैं आपको सिखाऊंगा जहां पे मैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पैकेट को फ्लो कराऊंगा तो वहां पे मैं इसका मतलब समझा पाऊंगा फिलहाल के लिए इतना समझो या मैं बता तो इसका मतलब देता हूँ उसका मतलब समझा देता हूँ थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ प्रोवाइड लॉजिकल एनी फिजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है हमारा कौन आपका डेटा लिंक डेटलिंग लेकिन प्रोवाइड करता है क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे नोट टू नोट डिलीवरी का मतलब समझो क्या होता है कि मेरे पास एक मेरा कंप्यूटर है वो कंप्यूटर कनेक्टेड एक राउटर के साथ ये मेरा राउटर है एक और राउटर कनेक्टेड है एक और राउटर कनेक्टेड है एक और राउटर कनेक्टेड है उसके बाद मेरा कंप्यूटर कनेक्ट है यानी इतने सारे राउटर कनेक्ट होने के बाद ये ये मेरा सोर्स है ये मेरा डेस्टिनेशन है तो आपके सिस्टम से डेटा जाएगा यहां से पहले इस पे यार अगर आपको अपने घर से मान लो तो दिल्ली से आपको मुंबई जाना है तो दिल्ली से मुंबई डायरेक्ट ट्रेन थोड़ी जाएगी जाएगी जाये तो डायरेक्ट लेकिन वो किसी हर स्टेशन पर रुकती हुई जाएगी आपका सोर्स क्या था दिल्ली डेस्टिनेशन क्या है मुंबई तो आप उतरोगे मुंबई में जाके लेकिन जो आपका ट्रेन है वो हर स्टेशन पर रुकती हुई जाएगी इसी तरीके से डायरेक्ट उड़ते हुए तो डंप नहीं मारेगी ना इसी तरीके से क्या होता है जब डेटा जब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाते हैं तो बीच में बहुत सारे मल्टीपल राउटर्स कनेक्टेड होते हैं मान के चलो आज आप गूगल डॉट कॉम एक्सेस कर रहे हो हाँ तो गूगल का डॉट कॉम क्या गूगल आपके घर में बगल में लगा हुआ है नहीं गूगल का तो सर्वर लगा होगा हो सकता है यूएस में लगा हुआ आप यूएस से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं सिंगापुर से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो सिंगापुर से डेटा को जब एक्सेस कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं बीच में बहुत सारे मल्टीपल राउटर्स लगे हुए हैं सिखाऊंगा ये सारी चीजें आगे चल के ठीक है अभी सिर्फ आपका तैयार कर रहा हूँ नेटवर्क को समझने के लिए जब आपका बेस तैयार हो जाएगा नेटवर्क को समझने के लिए कि जो जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएंगे तो फिर जब प्रैक्टिकल इन चीजों के ऊपर कराऊंगा इस तरीके से लगा लगा के कराऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा ठीक है तो आपका इस सिस्टम से पहले डेटा जाएगा राउटर पे फिर उसके पे जाएगा फिर इस राउटर पे आएगा फिर इस राउटर पे आएगा फिर इस राउटर पे आएगा सॉरी इस सिस्टम पे आएगा उसके बाद डेटा रिसीव हो जाएगा तो आपके यहां से यहां तक की डेटा डिलीवरी करने का काम डेटा लिंक लेयर की होती है यहाँ से फिर यहाँ तक की डेटा लिंक लेयर की इधर से यहाँ तक डेटा लिंक लेयर की यहाँ से यहाँ तक डेटा लिंक लेयर की इधर से इधर डेटा लिंक लेयर की बट यहाँ से यहाँ तक जो डेटा गया उसकी रिस्पांसिबिलिटी आपकी नेटवर्क लेयर की होती है वो मैं बताऊंगा आगे चल के ठीक है डेटा लिंक लेयर को भी फर्स्ट फोकस करो तो डेटा लिंक लेयर का मतलब है जो यहां से यहां डेटा जाएगा पहले फिर यहां से वो डेटा जाएगा आपका फिर यहां से यहां जाएगा फिर यहाँ से यहां जाएगा फिर यहाँ से यहां जाएगा फाइनल डेस्टिनेशन पे तो इसको बोलते हैं नोड टू नोड डिलीवरी ये एक नोड है ये अगला नोड है ये अगला नोड है ये अगला नोड है ये भी एक नोड ही है ये भी नोड ही है सिस्टम है नोड बोलेंगे तो एक नोड से दूसरे नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है डेटा लिंक लेयर की कैसे होता है मैं डेफिनेटली सिखाऊंगा डोंट वरी प्रैक्टिकल में और अच्छे से समझ में आएगा सिर्फ समझो ऐसा होता है बस जब प्रैक्टिकल करेंगे आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो चीज आसान होनी शुरू हो जाएंगी ठीक है समझ में आ रहा है किसी के ऊपर से तो नहीं जा रही चीजें एवरी वन हाँ जी ठीक है क्लियर है रकीब जी आपके भी उल्लास जी ग्रेट ग्रेट ठीक है चलिए तो डेटा लिंक लेयर का एंड नोट टू नोट डिलीवरी का मैंने आपको मतलब समझा दिया उसके बाद है इस प्रोवाइड एरर अब अभी एरर चेकिंग कैसे होता है उसको समझते हैं देखो ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा ठीक है ध्यान से समझिए हमारे पास डेटा लिंक लेयर का जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं डेटा लिंक लेयर का विच इज एरर चेकिंग कैसे होती है ठीक है तो ये आपके पास डेटा आया पैकेट आया नेटवर्क लेयर से रिसीव हुआ पैकेट के बाद यहां पे क्या ऐड होगा डेटा लिंक लेयर का हैडर डीएलएल हैडर डेटा लिंक लेयर का हैडर और साथ साथ क्या ऐड होगा डेटा लिंक लेयर का ट्रेलर इस ट्रेलर के अंदर ना इस ट्रेलर के अंदर एक फील्ड होती है एफसी जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रेम चेक सी एच ई सी के चेक सीक्वेंस फ्रेम चेक सीक्वेंस एक प्रोग्राम होता है समझता हूंगा अभी कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है तो मान के चलो कि एक एक सेंडर है और एक रिसीवर है जो सेंडर सिस्टम है उसका मैक एड्रेस है जीरो ए और जो रिसीवर मैक जो सिस्टम है उसका मैक एड्रेस है जीरो बी मान लो मैक एड्रेस ऐसा नहीं होता है सिर्फ मान लो कि जीरो ए और जीरो बी ऐसा है ठीक है जब मैक एड्रेस सिखाऊंगा तो और अच्छे से समझाऊंगा अभी मैक एड्रेस को पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में वेट करो तो जीरो ए जीरो बी सेंटर का जीरो ए है का जीरो बी है तो पैकेट मान के चलो कि ये डेटा भेज रहा है तो जब भेज रहा है तो इसमें सोर्स मैक एड्रेस किसका लग जाएगा जीरो ए किसको भेज रहा है उसका मैक एड्रेस लगेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जीरो बी जब आप चिट्ठी किसी को पोस्ट करते हैं उसमें टू एंड फ्रॉम एड्रेस डालते हैं तभी तो चिट्ठी किसी के पास पहुंचती है तो ये भी समझ लो टू एंड फ्रॉम एड्रेस है डेटा क्या है ये इसके अंदर डेटा है हमारा ये डेटा को लेके जाना है फ्रॉम दिस सोर्स टू दिस डेस्टिनेशन सपोज आप ध्यान से समझो ये एफ सी क्या काम करता है अभी हम एफ सी को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं सिर्फ क्या कर रहे हैं ये डेटा भेज रहा है ये नेटवर्क में ये डेटा जा रहा है जा रहा है सेंटर ने सेंड कर दिया डेटा जा रहा है बीच में क्या था कोई अटैकर था उस अटैकर ने क्या किया इस पैकेट को इंटरसेप्ट कर दिया और उसने क्या किया इस पैकेट के अंदर वायरस भर दिए और डेटा को आगे भेज दिया मतलब डेटा मॉडिफाई हो गया आपका ऑल्टर हो गया और डेटा चला गया रिसीवर के पास जब डेटा रिसीवर रिसीव करेगा जब तो रिसीवर डेटा को रिसीव किया जाएगा तो वो कैसे समझेगा कि जो डेटा मेरे पास आया है वो सही डेटा है या नहीं है तो यहाँ पे तो ये जो डेटा में वायरस लगा के भेज दिया तो तो कुछ भी हो सकता है उसके गलत हो सकता है तो सामने वाला कैसे समझेगा कि जो डेटा आया उसमें कुछ दिक्कत है अब रियल लाइफ का सो एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग ठीक है मान के चलो कि आज आपने अमेज़ोन से एक आईफोन ऑर्डर किया और आईफोन आपके पास डिलीवरी बॉय डिलीवर लेने के लिए आ आ गया, गया। देने के लिए आ गया। आपने फोन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्यों? उस पर एक सील लगी होती है जो कि किसी ने पहले से उखाड़ के फिर चिपकाया तो देखो एक फ्रेश सील जो होती है वो कैसे दिखेगी और किसी ने अगर उसको एक बार ओपन करके देखा और उसमें स्क्रैच आ जाएंगे तो आप समझ जाओगे कि इस फोन को किसी ने बीच में ओपन किया है, तो था उसको रिसीव नहीं करोगे क्यों नहीं करोगे क्योंकि भाई मैंने तो एक नया फोन ऑर्डर किया था लेकिन किसी ने फोन को बीच में शायद खोल के देखा हो जिस वजह से वो जो सील होता है उस सील के अंदर स्क्रैच तो थे नाखून नेल्स के स्पॉट्स थे तो समझ जाओगे किसी ने इसको खाड़ के पहले चेक किया फिर दोबारा लगा दिया है। होता है कि नहीं होता है ऐसा होता है ना सब लोगों ने नए फोन ऑर्डर किए होंगे तो सील पैक होती है ये सुन लो तो वो क्या बताता है आपका वो आपका इंटीग्रिटी बताता है इंटीग्रिटी का मतलब कि डेटा को किसी ने बीच में छेड़ा तो नहीं मतलब किसी ने फाइल को ओपन करके तो नहीं देखा तो इसके लिए क्या होता है कि अगर वहां पे आपके पास वो सील होता है जिसमें आपको नेल का स्पॉट देखते आप समझ जाते हो लेकिन यहाँ पे कैसे करेगा एक सिस्टम तो ये होता क्या है गाइस देखो जब ये डेटा सेंडर जब जब डेटा लिंक लेयर पे डेटा प्रिपेयर हो रहा होगा जब इसके अंदर हेडर लगेगा हेडर के अंदर क्या लगा सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक लगा और ये पैकेट ये डेटा है आपका डेटा है दिस इज योर डेटा दिस इज योर डेटा और यह आपका हैडर प्लस ट्रेलर अब क्या होगा यह जो आपका एफसीएस एल्गोरिदम है ये एक प्रोग्राम है ध्यान रखना। तो मैं यहां पे इसको मिटाता हूं तो ट्रेलर के अंदर ये जो ट्रेलर है इसमें आपकी एक वैल्यू एड की जाती है जिसको बोलते हैं हम एफसीएस वैल्यू इस वैल्यू को मैं ऐड नहीं करूंगा अपने आप से होगा कौन रन कौन ऐड करता है ये एफसीएस एल्गोरिथम ये प्रोग्राम है डेटा लिंक लेयर पे काम करता है जो क्या करेगा आपके जो आपने यहाँ पे सोर्स मैक लगाया डेस्टिनेशन मैक लगाया और ये जो पैकेट्स है इसके ऊपर इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा आपके डेटा के ऊपर और आपके हेडर के ऊपर ध्यान रखना आपका हेडर और डेटा को कंबाइन करके इस एफसीएस प्रोग्राम को रन किया जाएगा ऑटोमेटिकली रन होगा और रन होने के बाद एक वैल्यू जनरेट होगी सपोज एक वैल्यू जनरेट हुई वन टू थ्री और उस वैल्यू को इस ट्रेलर में क्या कर दिया गया ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद इस फाइल को अब सेंड कर दिया अब किसी ने क्या किया इस फाइल को इंटरसेप्ट करके इसके अंदर वायरसेस ऐड कर दिए सपोज और यह फाइल आप तक पहुंचा दी ओहो। ये फाइल आप तक पहुंचा दी अब आपने आपके डेटा लिंग पे रिसीव रिसीवर के <coughs> तो वहां पे भी डेटा लेयर पे एफसीएस काम कर रहा होगा वो एफ सी अगेन क्या करेगा इस हेडर प्लस आपके डेटा के ऊपर अगेन रन होगा और एक वैल्यू जनरेट होगी अब ये वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आएगी क्योंकि अब ये पैकेट प्लस इस वायरस के ऊपर भी ऐड हो रहा है तो वैल्यू आ गई टू थ्री फोर मान लो ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है सिर्फ समझाने की छोटे छोटे वैल्यू को हम लग ले रहे हैं कह रहा है कि सामने वाले ने तो वन, टू, थ्री लगा के भेजा है और मेरा क्या आया टू थ्री फोर इसका मतलब डेटा को किसी ने बीच में चेंज किया है तो यहां पे डेटा लिंक लेयर पे क्या किया जाएगा डेटा को ड्रॉप किया जाएगा तो एफसीएस सी एल्गोरिदम की उस वैल्यू के वजह से आपके डेटा लिंक लेयर पे क्या चेक किया जाता है एरर अगर डेटा में एरर है तो इट विल नॉट एक्सेप्टेड तो अब क्या था कि मान के चलो कि डेटा के अंदर कोई चेंजेस नहीं किया एक एफ सी एस एलगुदम यहाँ पर रन हुआ रन होने के बाद वैल्यू आई वैल्यू आपने ऐड कर दी वन टू थ्री और इस फाइल को आपने ऐसे ही भेज दिया जब डेटा रिसीव हुआ तो रिसीविंग एंड पे जब रिसीव होगा तो यहाँ पे एफ सी एस एलगुदम काम कर रहा होगा वो भी इसके ऊपर दोबारा से रन होगा एक वैल्यू आ गई वन टू थ्री मैच करेगा मैच हो गया तो डेटा को क्या कर लेगा एक्सेप्ट तो डेटा को एर चेक करने के लिए पूछा जाता इंटरव्यू में वैकनिज्म कैसे काम करता कोई नहीं पूछेगा एफ सी एसिम ही है जो क्या करता है आपको डेटा लिंग लेकर बताता है बट एर को करेक्ट नहीं करेगा इट डेक्ट दस्ट चेक दरर एर तो विल ड्रॉप दैकेट दैट समझ में आया डेटा लिंक लेयर का यस और नो तो ये डेटा लिंक लेयर का काम होता है नेक्स्ट काम नेक्स्ट डिस्कस फिजिकल लेयर बहुत सिंपल सा है फिजिकल लेयर क्या करता है फिजिकल लेयर कुछ नहीं करता डियर डेटा लिंक लेयर से डेटा रिसीव किया अब एक और चीज सॉरी मैंने बताया कि आपका डेटा डेटा के ऊपर लगता है टीएल का हेडर टीएल के हेडर के बाद लगता है नेटवर्क लेयर का हेडर यानी लेयर थ्री हेडर उसके बाद लेयर टू का हेडर और लेयर टू का ट्रेलर तो इसको बोलते हैं हम फ्रेम तो डेटा लिंक लेयर का पीडीयू होता है फ्रेम फ्रेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा प्लस ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर प्लस नेटवर्क लेयर हेडर प्लस लेयर टू हेडर एंड ट्रेलर समर आज के इंटरव्यू ये भी पूछा जा सकता है कि भैया कौन सी लेयर ठीक है, तो है. यहाँ पे सब कुछ अपने आप होता है हम को समझ रहे हैं फिजिकल का लेयर का काम क्या होता है फिजिकल लेयर विल रिसीव द फ्रेम फ्रॉम द अपर लेयर तो डेटा लिंक लेयर से क्या रिसीव करेगा वो फ्रेम रिसीव करेगा और उस फ्रेम को कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में तो अगर आप ऊपर जाएं तो देखिए बिट्स में कन्वर्ट कर देगा आपके डेटा को इट विल देखो यहां पे लेयर टू हेडर लेयर टू टेलर प्लस हेडर लेयर हेडर प्लस लेयर फोर तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्रेम और फ्रेम कहां पर रिसीव होगा फिजिकल लेयर पे और फिजिकल लेयर पे रिसीव होते इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इट कोई डाउट है यहां पे एनी डाउट क्लियर है सबको ठीक है ना अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें मैं कर आप लोगों के साथ। सर, जी जी पूछे। सेम होता है सेम होता तो है देखो एक होता है सेंडर एक होता है तो आपका टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है यानी पहले वो एप्लीकेशन पे जाएगा फिर प्रेजेंटेशन पे आएगा फिर सेशन पे आएगा फिर नेटवर्क uh, पे आएगा फिर डेटा लिंक फिर इस तरह से रिसीविंग एंड पे फिजिकल पहले होता है फिर डेटा लिंक फिर नेटवर्क फिर ट्रांसपोर्ट फिर सेशन ऐसा होता है समझ में आया सम... क्योंकि ये लेयर्स तो आपकी सेंडर में भी होगा रिसीवर में भी होगा ये देखो ना ये देखो सेंडर है रिसीवर है तो सेंडर जब अप्रोच करेगा तो कौन से लेयर से अप्रोच करेगा एप्लीकेशन लेयर से ठीक है डेटा कहाँ से आएगा यहाँ पे आया फिर यहाँ चला गया डेटा इसके फिजिकल लेयर पे रिसीव हुआ फिर डेटा लिंक लेयर पे फिर नेटवर्क पे, फिर सेशन पे फिर प्रेजेंटेशन uh, फिर एप्लीकेशन पे ठीक है ये बिल्कुल ऐसा ही होता डेफिनेटली होता मैं दिखाऊंगा मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल भी प्रूफ करूंगा डोंट वरी ये जित जितनी चीजें हमने अभी तक सब डिस्कस किया है ना सारा का सारा प्रैक्टिकल होगा तो आपको और बेटर समझ में आएगा तो अभी तो मैं सोच रहा हूँ आपको नेटवर्क में तैयार कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझाने की तो जब इसका प्रैक्टिकल देखोगे विल के लिए तो पैकेट फ्लो पढ़ेंगे हम लोग ठीक है आने वाले टाइम में तो उस पैकेट फ्लो के अंदर आपको मैं समझाऊंगा लेकिन पैकेट फ्लो पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग पहले आई पढ़ेंगे फिर मैक एड्रेस पढ़ेंगे उसके बाद हम इस इसमें पढ़ेंगे तो यहाँ तक क्लियर है अभी मैक एड्रेस पढ़ाऊंगा अभी आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है सबको चलो कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ठीक है ग्रेट ठीक है तो अब कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि मैं अब आपको बता रहा हूं के बारे में। देखो मैक एड्रेस को बहुत सारे नामों से जाना जाता है तो मैं वो सारे नाम आपके सामने लिख रहा हूं ताकि कल को आपको किसी भी डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम नेम कु डिफरेंट ठीक है लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर यही चीज है तो यही होगा ठीक है तो मैक एड्रेस को हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं समटाइम वी कॉल इज अजिकल एड्रेस समटाइम वी कॉल इज अ हार्डवेयर एड्रेस समटाइम वी कॉल इज अयर टू एड्रेस समटाइम बी कॉल्ड बर्न इन एड्रेस और क्या बोलते हैं फिजिकल हाँ मैक एड्रेस तो बोलते ही चलो मैक एड्रेस भी लिखवा देता हूं उसको मैक एड्रेस भी बोलते हैं तो इतने सारे नामों से जाना जाता है फिजिकल एड्रेस हम विंडो सिस्टम पे बोलते हैं हार्डवेयर एड्रेस हम लिनक्स में बोलते हैं ठीक है बर्न एड्रेस हम आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें बोलते हैं ठीक है uh, कई बार हम उसको लेयर टू एड्रेस भी बोलते हैं मैक एड्रेस तो बोलते ही बोलते हैं तो एक ही चीज के दो नाम है ठीक है अभी जो मैक एड्रेस है ये आपका फोर्टी एट बिट मैक एड्रेस मैक एड्रेस इज फोर्टी एट बिट हेक्सा डेसिमल नंबर <coughs> तो हेग्जा डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है किस तरीके से मैक एड्रेस दिखता है मैं अपने लैपटॉप का दिखा देता, हूं। मैं दिखा हूं मैं दिखा देता हूं। तो मैं सी पे चलता हूँ यहाँ पे मैं आईपी कॉन्फिक फॉरवर्ड स्लैश ऑल मेरे इस पे बहुत सारे फिजिकल एड्रेस हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ मैक मैकेट्रेस दिखाऊंगा दिस इज फिजिकल एड्रेस कैन सी फिजिकल एड्रेस ये आपका मैक एड्रेस कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता है इस तरीके से लिखा होता है इसको लिखने के कई सारे तरीके हैं कई बार आपको ऐसे मिलेगा कि इसके बीच में ना आपको ये जो देख रहे हो ई जीरो हाईफन नाइन फोर इसके बीच में हाइफन से रिप्रेजेंट किया गया है कई जगह आपको इसको यहाँ पे सेमी कॉलम देखने को मिलेगा इस तरीके से तो लिखने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट तो ये मेरा विंडोज सिस्टम इसमें हैश लगा हुआ है आईफन का साइन लगा हुआ है कई जगह आपको इस तरह से मिलेगा बीच में आपको सेमी कॉलन मिलेगा कई जगह आपको इसको चार कॉम्बिनेशन मिलेगा जैसे कि E094 डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा 6742.1534 इसको ऐसे भी लिखा जाता है कई बार इस तरीके से भी लिखा जाता है इस तरीके से भी लिखा जाएगा नाइन फोर सिक्स सेवन फोर टू वन फाइव फोर कॉलम से रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट के साथ फोर के कॉम्बिनेशन किया जाता है कई बार आपको ऐसे तो सब तरीके से आपको देखना है अलग अलग में ऐसा-ऐसा रहता है तो इस तरीके से छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह डिजिट का होता है, मतलब है. मतलब इसमें आपका अल्फा न्यूमेरिक के साथ लिखा होता है जिसकी जो हेक्साडेसिमल को है उसको कैसे लिखते हैं थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो मैं आज आपको थोड़ा सा बाइनरी वगैरह समझाता हूँ सिखाता हूँ बाइनरी एंड बाइनरी सिखाऊंगा और प्लस आपको हेक्सा सिखाऊंगा और डेसिमल में तो हमें पता ही ठीक है, है तो बेसिकली आपका ये जो आपका मैक एड्रेस है जो मैंने अभी लिखवाया ये ये मैक एड्रेस के अंदर अभी बाइनरी वगैरह में थोड़ी देर में आते हैं पहले इसको थोड़ा सा कम और क्लियर कर देता हूं इसके अंदर आपके जो स्टार्टिंग के ट्वेंटी फोर बिट्स अब देखो ये जो आपका ये जो आपका पूरा जो मैक एड्रेस है ये टोटल 48 बिट का है टोटल साइज जो है फोर्टी एट बिट का है इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं ट्वेल्व कैरेक्टर होते हैं एक दो तीन चार ट्वेल्व कैरेक्टर होते हैं और ईच कैरेक्टर ईच कैरेक्टर फोर बिट आपका जो एक जो डिजिट होती है ना वो चार बिट की होती है तभी तो बारह डिजिट होते हैं हमारे पास और फोर बिट का एक डिजिट होता है तो 48 बिट का हमारा क्या मैक एड्रेस कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है अभी मैं इसको और तरीके से समझाऊंगा ठीक है कई बार इसको बोलते हैं कि क्या हमारा मैक एड्रेस सिक्स बाइट का होता है yes. अभी कैसे हो मैं सिखाऊंगा सारी चीजें एक दिन में सारी चीजें समझाऊंगा विल गेट confused. तो पहले एक एक चीज को सीखेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैंने बताया कि जो मैक एड्रेस अड़तालीस बिट टोटल होता है साइज में ट्वेल्व कैरेक्टर होते हैं और एक कैरेक्टर का साइज फोर बिट का होता है इतनी चीज बताऊ आप yes, सबको क्लियर इतनी चीज yes, ठीक है नाउ अब यहां पे जो स्टार्टिंग के जो 24 बिट हैं जो स्टार्टिंग के फोर डिजिट है एक डिजिट चार कैरेक्टर का है तो चार मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर जा, होता है, तो बिट जो होते हैं इसको डिवाइड किया गया ट्वेंटी फोर बिट ट्वेंटी फोर बिट तो जो स्टार्टिंग का ट्वेंटी फोर बिट है वो ओ यू आई को रिप्रेजेंट करते हैं ओ OUI यू आई को रिप्रेजेंट करते हैं और जो लास्ट का जो है इसको आपका वेंडर सीरियल नंबर के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है अभी थोड़ा सा इसको और समझते हैं देखो जो भी कंपनी डिवाइस बनाती है लाइक like कंप्यूटर बना रही है तो उस कंप्यूटर में एक कार्ड होता है जिसको बोलते हैं एनआईसी कार्ड किसी ने देखा है एनआईसी कार्ड कैसा होता है कोई है जिसने नहीं देखा हो आप में से सबने देखा है एक बार एक्नोलॉजी कीजिए

एक OUI लेना होता है, यानी जो आप मान के इसको आप मैक मैकेडोनस दोगे, इसका मैकेडोनस मान के चलो है one one डैश a b c a zero 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 one तो स्टार्टिंग का twenty four बिट जो है, वो OUI को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट के जो twenty four बिट हैं, वो आपका वेंडर सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है यानी स्टार्टिंग का जो ओयूआई OUI होता है ओय OUI का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन और गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर मतलब क्या है कि स्टार्टिंग के जो ट्वेंटी फोर बिट है उसको देख के आप यह समझ जाओगे कि इस एनआईसी कार्ड को बनाया किसने है कौन सी कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है तो एन आई सी कार्ड के अंदर जो स्टार्टिंग के जो ओ यू आई है वो रिप्रेजेंट करता है कि एन आई सी कार्ड किस कंपनी का है और जो भी कंपनी एन आई सी कार्ड लेती है अब ये एन आई सी कार्ड को ये ओय OUI आई मिलता कहाँ से है जैसे लिनोवो है लिनोवो ने एक मान के चलो एक लैपटॉप बनाया इस लैपटॉप के ऊपर कह लगाया एक एन आई सी कार्ड लगाया एक लैंथ कार्ड लगाया उस कार्ड के ऊपर एक प्रिंट होगा एक मैक एड्रेस प्रिंट होगा उस मैक एड्रेस के स्टार्टिंग के जो 24 बिट बताएगा कि ये आपके लिनोवो का लैपटॉप है अब ये को ये को वाला मैक एड्रेस यानी जो मैकेडसूआ OUI है ये मिला कहां से तो आपकी एक संस्था होती है आई ट्रिपल ई फुल फॉर्म देख लेना मुझे फुल फॉर्म याद नहीं रहते, कितनी बार भी याद कर लेता हूं। तो आई ट्रिपल ई एक संस्था है एक बार देख लेते हैं आई ट्रिपल ई की फुल फॉर्म आई ट्रिपल ई फुल फॉर्म कोई पूछता नहीं है तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स कितनी बार देखता हूं मैं हर बार भूल जाता हूं

एफ नाइन टू टू तो ये एक ओ यू आई मिल गया तो अब जो भी कंपनी जैसे लिनोवो है तो लिनोवो ने एक लैपटॉप बनाया एक एन आई सी कार्ड बनाया लगाया इसके ऊपर और उसके ऊपर क्या करेगा स्टार्टिंग के जो सिक्स कैरेक्टर होंगे वो सेम होंगे ई वन एफ नाइन टू टू और लास्ट के जो जो डिजिट होंगे वो अपने आप से डिफाइन कर देगा जीरो 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 वन तो ये जो है ये वेंडर खुद डिफाइन करता है और ये इसको लेना पड़ता है ओ यू आई से और जब ये लास्ट में सारे एफ 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 अभी एफ एफ क्या है मैं समझाऊंगा जब लास्ट में सारे एफ एफ हो जाएंगे तो ये आपका ब्लॉक जो है वो खत्म हो गया फिर नेक्स्ट ब्लॉक के लिए फिर से लेना वो क्या करेगा आई ट्रिपल ए को कॉन्टेक्ट करेगा फिर नेक्स्ट ओ यू आई के लिए यहाँ पे आपको समझने की जरूरत ये कि जो ओ यू आई है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो एन आई सी कार्ड किस कंपनी का दैट सेट तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मेरे लैपटॉप पर भी तो एन आई सी कार्ड लगा होगा तो अभी मैंने किया था तो ये देखो इथरनेट का ब्लूटूथ अडेप्टर है इसको भी एक एन आई सी कार्ड मिला हुआ है तो ब्लूटूथ को भी मिला हुआ तो इस ब्लूटूथ ब्लूटूथर को किसने कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है जरूरी नहीं है कि लिनोवो के अंदर जितने भी पार्ट लगे हो सारे लिनोवो नहीं बनाए हो ऐसा जरूरी नहीं होता है आजकल तो जो फिला जो है या एडिडास वगैरह है वो भी कंपनी जो है अपने अपने वेयर हाउस पे या फिर अपने फैक्ट्री में जूते नहीं बनाते वो किसी और कंपनी से बनवाती है सिर्फ अपना लेबल लगा के देती है ठीक है तो मेरे ऐसे बहुत जानने वाले हैं जो कि एक जूते की फैक्ट्री में काम करते हो तो फिला के जूते उनके कंपनी में बनते हैं ठीक है एडिडास कंपनी के जूते उनके, उनके पास बनते हैं सिर्फ एडिडास वाले अपने लेवल चिपकाते हैं ठीक है तो ऐसा भी होता है रियल फैक्टर है ये चीज़ तो अब ये लिनोवो का लैपटॉप है मेरा जो लैपटॉप है लिनोवो का है लेकिन इस पर एक ब्लूटूथ अडाप्टर लगा है तो मुझे जानना है कि ब्लूटूथ अडाप्टर किस कंपनी का लगा हुआ है तो मैं जानने के लिए मैं क्या करूँगा स्टार्टिंग के जो ये सिक्स डिजिट हैं फिजिकल एड्रेस का इसको मैं कॉपी करूँगा अब गूगल पे चले जाओ और यहाँ पे डाल दो ओ यू आई आइडेंटिफायर ओ यू आई फाइंडर ओ लुकअप टूल कर दो आ, uh, क्या यहाँ पे कहीं पे आ रहा है चलो बैक करो ये गलत वेबसाइट पे चले गए हम लोग मैक एड्रेस लुकअप कर देते हैं हम लोग तो आपको स्टार्टिंग का यहाँ पे डाल दो डाल दिया मैंने लुकअप मैक एड्रेस अब ये बता देगा ये इंटेल कॉर्पोरेशन का है जो स्टार्टिंग के जो ये ब्लॉक है ये इंटेल कॉर्पोरेशन का है और अगर इंटेल कॉर्पोरेशन को कांटेक्ट करना है

कि जो आपका पर्टिकुलर एनआईसी कार्ड है वो तो किस कंपनी को बिलोंग करता है आई होप so, सबको क्लियर हो रही चीजें क्लियर है कोई डाउट तो नहीं यहां पे तो ये हमारे पास एड्रेस का ठीक है तो ये हमारा एड्रेस का था तो नेक्स्ट हमारा ये हुआ ठीक है अब मैं आपको क्या करूँगा ये वाली फ़ाइल मैं आप लोगों को दे दूंगा ये हाउ टू मास्टर इन एस सी इसके अलावा भी मेरे पास और भी बुक्स होंगी जो मैं इसका पी देखता हूँ कौन सा बढ़िया रहता है आप लोगों के लिए तो वो मैं बुक दे दूंगा ये वाला बुक भी आप रीव कर सकते हो ठीक है जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ देखो ये थोड़ी पुरानी बुक है इसमें आपको सारे वो चीज़ें मिलेंगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके अलावा भी मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताऊँगा तो यहाँ पे आप जैसे ओ मॉडल के बारे में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आप ओ मॉडल पर क्लिक करेंगे तो ओएस मॉडल के बारे में जो हमने पढ़ा था जिसमें ये आपको मिलेगा ठीक है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी ठीक है फिजिकल लेयर का काम क्या होता है नेटवर्क लेयर का ठीक है ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने बताया जैसे टी होता है यू होता है तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है तो इसको बल्ले बुक को मैं ग्रुप में ही आपके शेयर कर दूंगा तो इसको डाउनलोड कर लेना इसके अलावा भी मेरे पास और भी पी नोट्स होंगे तो वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे आई पी ये जो है हमारा क्या बोलते हैं फ्राइडे को हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे आई पी एड्रेस को स्टार्ट करेंगे क्योंकि okay, मैं चाहता हूँ कि आई पी एड्रेस को आप लोग फ्रेश से स्टार्ट करो और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई पी एड्रेस को मैं जिस तरीके से बताऊँगा क्योंकि इट विल टेक मोर टाइम ठीक है आई पी एड्रेस अब नटिंग में हम कम से कम तीन से चार क्लास खींच जाएगा हो सकता है उससे भी ज़्यादा खींचे क्योंकि मैं चीज़ों को डिटेल में जाके समझाता हूँ है तो सिर्फ आधे घंटे एक घंटे का टॉपिक बट चीज़ों को टाइम देकर सीखोगे तो आपको ज़्यादा वो मिलेगा तो ये जो वीडियो है इस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को सबके साथ शेयर कर दूंगा तो प्लीज़ कृपया करके तीन वीडियो हो जाएंगी आज की दो कल की एक है आज की एक है और इससे पहले एक क्लास हमने शायद लिया था तो आपको टोटल तीन वीडियोस होंगे उसको प्लीज डाउनलोड जरूर कर लेना ठीक है और इसके अलावा कोई डाउट है कुछ क्वेरीज हैं, तो यू कैन आस्क योर डाउट एंड क्वारीजी जी, एनीवन हैव एनी डाउट क्वेरीज बिनी जी रेपी जी अलीम जी उल्लास जी एनी डाउट ठीक है ओके okay, गुड ठीक है रकीब ओके रकीब कोई डाउट तो नहीं है ना ठीक है ठीक है ठीक है तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को वही सेम आपको एट थर्टी एट थर्टी रखना है या आठ बजे का रखना है बताइए क्योंकि कई बार आलिम जी लेट हो जा रहे हैं एट थर्टी रखते हैं ठीक है चलो